अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये Q4 235 का लाइव सेशन नंबर 13 है और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम NLP को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेज मेकर। सबसे पहले आप बताएं कैसे हैं आप सब दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, तो हम सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि आपके क्विज वगैरह जो हैं वो आपके क्या नाम है प्रीवियस वाली उससे बने किताब से ना, और न्यू वाली जो हमारी किताब है उसके अंदर अपग्रेडेशन है कुछ, यानी टॉपिक ज्यादा हैं। तो मैं ये करता हूँ कि आज के जो चैप्टर 6 है ना रिमेनिंग, वो हम पुरानी वाली किताब से देख लेते हैं और बाकी फिर हम न्यू से ही उसको प्रोसेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें टास्क आप लोग के लिए ये होगी कि जो काम हम प्रीवियस यानी ऑल साइंटेक्स से देख रहे हैं आप उसको सेज मेकर के जरिए इंप्लीमेंट करेंगे न्यू साइंटेक्स के साथ, यानी न्यू किताब के वर्जन के साथ। ओके, तो लास्ट जो टॉपिक था वो हमने कहां तक कवर किया था, कुछ याद है? चैप्टर 6 पे प्रोसेसिंग वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था सर, ये प्री प्रोसेसिंग हो गई थी ब्लेजिंग टेक्स्ट। अच्छा, सिर्फ ब्लेजिंग टेक्स्ट ही हुई थी ना जी। अच्छा, अब हम फास्ट यानी उसके अंदर स्पेस के अंदर ना थोड़ा जल्दी जल्दी इसको यानी प्रीवियस अब रिपीट भी कर लेंगे और उसके बाद आज चैप्टर 6 को लाजमी हमें खत्म करना है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि हमारी 12 या 13 क्लासे थी और ये एंड के ऊपर है और अभी तक हम चैप्टर 6 तक पहुंचे, तो मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट क्लास से हम फिर 3 घंटे की क्लास कर दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर कर पाए। किसी को इसमें एतराज तो नहीं है जी दोस्तों? सर क्लास तो 2 घंटे काफी है। हाँ, दो, क्योंकि फिर और भी काम होते हैं, संडे का दिन छुट्टी का होता है ना, तो उसमें सर बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा है दूसरा कि हम फिर 2 घंटे की क्लास हफ्ते को लें और 2 घंटे की क्लास इतवार को लें, ये करें सर? क्या जल्दी खत्म करना है कोर्स, हमें जल्दी खत्म करना है? नहीं, असल में क्योंकि सारे यानी कोर्स की जो भी दूसरे बेस चल रहे ना सबको एक साथ हमें कवर करना है, तो मैक्सिमम हमें 6 या 7 क्लासे एक्स्ट्रा मिल सकती है। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था आप लोग का क्या नाम है तुफैल, कितनी क्लासेस हुई थी तो फिर मुझे बता सकते हैं लास्ट आप लोग की कितनी क्लासेस हुई थी सर? लास्ट तक अब तक टोटल कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? नहीं, आप लोग का जो बेस था, बेस थी सर, हमारी हमारी 22 हुई थी, हमारा बहुत मतलब एंट्री हो गई थी, तो शायद इस दफा में 22 क्लास तो नहीं मिल पाएंगी, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा फिर टाइम ना एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलो लेट्स सी सर, 1 घंटा एक्सटेंड कर ले, मेरे ख्याल बेहतर ऑप्शन यही है। हाँ, तो ये 2 ऑप्शन है, या तो हफ्ते को भी हम यानी 2 घंटे की क्लास लें या फिर हम आज ही यानी वो करते हैं। ठीक है, तो सर इसमें संडे को आप इंक्रीज कर लें टाइम, हफ्ते को तो नहीं हो सकता क्योंकि हम दूसरे कोर्सेज ले रहे हैं तो उसकी क्लासेज हैं। तो नहीं यार, संडे नहीं हो सकता, संडे को सर 2 घंटे में ऐसी मैया बन जाती ना जहन की, फिर जहन नहीं चल रहा होता सर। या संडे में 2 शिफ्टों में कर लें, एक मॉर्निंग में एक शाम में। नहीं, असल में मॉर्निंग में भी मेरे पास सेशंस हैं सर, 1 घंटा इंक्रीज कर लें संडे को, इस ओके सर 2 से 3 घंटे पढ़ लेंगे ठीक है, लेकिन सैटरडे तो नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे दूसरे कोर्सेज हैं उसमें, सैटरडे को क्लासेज हैं उनकी। चलो सर ये रात को देख लेते हैं ना सर, सैटरडे की रात को देख लेते हैं 1 घंटा, उसके बाद देख लेते हैं क्या ख्याल है सर। 1 घंटा को ना 2 घंटे में ना इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि उस इंफॉर्मेशन IoT की क्लास है और ये मतलब क्लैश क्लैश हो रहा है मेरा IoT का, वो भी कहते हैं एक ही सेशन है उसका,
आईओटी का भी, तो इस वजह से मुझे तो ये प्रॉब्लम है कि ये 2 से 5 तक आईओटी की भी क्लास है और आपकी भी क्लास 2 से 4 तक है। अच्छा, न्यू जो सेशन स्टार्ट हुआ उसके अंदर सर, अभी तो इसी तरह चलते हैं, फिर आगे देखेंगे। फिर अभी नहीं, आगे असल में हमारे पास टाइम्स कम है ना, इसलिए तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेट्स सी कितनी जल्दी, वीकडे में अगर नाइट में करें, किसी वीकडे में नाइट में रखते हैं 8 बजे के बाद, 8 से 9 10, 8 से 20 कर देंगे। असल में चलो इसको हम डिस्कस करते हैं, तो वोटिंग की बेस के ऊपर ना हम एक वोट करवा लेंगे, उसकी बेस के ऊपर देख लेंगे कि ये हमारे पास इनमें कौन सा बेहतर है। सर वीकडे में मत रखिएगा लेट नाइट, एक्चुअली हमारी तरफ बहुत लेट हो जाएगा। अगर आपकी तरफ 10 होगा तो हमारी तरफ तो सुबह का टाइम होगा, बिल्कुल फजर से भी बहुत पहले। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सर ऐसा ही है। फाइनली देख दे इस चीज को देख लीजिएगा सर, फिर कुछ ऑप्शंस बना के वोटिंग करवा लेंगे। मेजॉरिटी कह रही है कि 1 घंटा एक्सटेंड कर लें आप, तो 3 घंटे क्लास बेहतर रहेगी। वैसे भी आप जो नए बैच शुरू हैं उनकी 3 घंटे क्लास ही हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, पर 1 घंटा इंक्रीज ठीक है। ओके डन है, चलें तो फिर नेक्स्ट क्लास से फिर यानी देख लेते हैं कि 1 घंटे को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके थोड़ा सा बस वो कर, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। हमें क्विक यानी गो थ्रू करना है जो हमने प्रैक्टिकल देखा और उसके बाद इसको एंड करेंगे। अच्छा, अब जो बाकी के जो चैप्टर है ना उसमें से पेजेस कर दें, वो मेंशन हुए हैं कि कौन सा पेज कहाँ से आपको करना है, तो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास मौजूद भी है। चैप्टर 6 हमारे पास हो जाएगा, चैप्टर 7 की कुछ पेजेस हैं जो कि आपकी रेंज बताई हुई है और कंप्यूटर विजन वगैरह की कुछ चीजें। तो चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 तो नहीं है ना सेज मेकर का, बस 7, 8 और इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर विजन के 4 चैप्टर हैं, तो बस इन्हें हमें फास्ट उसके अंदर ट्रैक के अंदर जल्दी जल्दी देखते हैं। सर 9, 10 भी है सर सेज मेकर का? जी बोले सर, 9 चैप्टर भी है, 10 भी है। नहीं और अभी कितने महीने में मजीद बाकी है? वालेकुम, क्लास मिलेगी इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास, ये पेजेस हमारे पास हैं स्पेसिफिक चैप्टर 9। कितने महीने हैं हमारे कोर्स कंप्लीट होने में? 2 महीने, 3 महीने या 1.5 महीना या 2 महीना, मैक्स से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो 1.5 महीना होगा मैक्सिमम, 6 क्लासें और लगा लेंगे, अब चले 20 क्लास मैक्स चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगी, तो हमें उसमें रहते हुए इसको जल्दी खत्म करना है। ठीक है, ओके जी, तो चले आगे मूव होते हैं। टॉपिक तो हमें पता चल गया, हमने देखा ब्लाजिंग टैक्स एक एल्गोरिथम है, ठीक है, और ब्लाजिंग टैक्स किस लिए इस्तेमाल हो रहा है ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। आई थिंक ये न्यू वाली बुक है और ये हमारे पास 48 वाली है, पुरानी वाली है। ठीक है, ब्लाजिंग टैक्स किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, टैक्स क्लासिफिकेशन मॉडल है और ये क्या है, सुपरवाइज लर्निंग का मॉडल है। इसी तरह इसके अंदर जो ब्लाजिंग टैक्स है इसमें एक और चीज हम कंप्यूट करते हैं वेक्टर, और वो वेक्टर जो है बेसिकली इस्तेमाल होता है आपके अनसुपरवाइज्ड वे में कौन सा वर्ड किसके नियरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना। इसी तरह लातेन एलोकेशन LD हम इस्तेमाल करते हैं, तो लातेन डेरी कैलकुलेट एलोकेट यानी जो भी आपका ये एल्गोरिथम है इसको हमने देखना है किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो कि टॉपिक मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और लास्ट टाइम हमने इस पर डिस्कस किया था टॉपिक मॉडलिंग क्या है। इसी तरह टॉपिक मॉडलिंग के लिए एक और हमारा एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है और वो है NTM, और सीक्वेंस टू सीक्वेंस आप टोकन बना के बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। तो एक एक को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो डेटा सेट है इसकी जो आपके पास रेंज है ना, कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा है, आई थिंक 10 GB का डेटा है, तो ये ब्लाजिंग टैक्स वाला हो भी गया, ये हो गया। इसके बारे में डेटा सेट के बारे में कहीं बताया हुआ है यहाँ पे? जी सर 10 GB का डेटा है। हाँ 10 GB का है, नहीं मैंने हाईलाइट किया था, मैं देखा हूँ वो कहाँ है, इसी में बताया। चैप्टर 6 मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की थी, वो देखो कि इसमें थी किसमें की थी। सर वो दूसरी बुक में तो नहीं हाईलाइट की हुई? ओके
ये आपके पास आ गया सेजमेकर, सेजमेकर में ही मैंने जाके की थी। आप लोग का बेच कौन सा था? आई थिंक इसमें मैंने की हाँ ये आ गया ठीक है। अच्छा मैं डेटा हम तैयार कर रहे हैं, डेटा बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमारे पास जो लेवल डेटा है, अगर ये डेटा आप डाउनलोड करते हैं 10 GB स्टोरेज लेगा, इसका मतलब है आप सोच लें कि अच्छी खासी कंप्यूटिंग होने वाली है। तो हम जो यानी ऊपर यानी अमेजोन के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हैं सेजमेकर स्टूडियो तो C5 इंस्टेंस इस्तेमाल होगा, उसकी आप चार्जेस देख लीजिएगा थोड़े से ज्यादा होंगे। इसके अंदर 1.8 मिलियन के करीब रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो हम इस्तेमाल करेंगे 100,000 जो इनिशियल हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा डेटा सेट आप देखें बिल्कुल ही बहुत आसान है, ये जो कमांड है SSH शेल की कमांड, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सेजमेकर स्टूडियो के अंदर या सेजमेकर का जो भी जुपिटर नोटबुक का एनवायरमेंट है उसमें चलती है। उसके बाद हमने AWS S3 CP मतलब कॉपी, और ये आपके पास पूरा पाथ है, इस पाथ से आपने वो चीज कॉपी करी और उसको उठा के जहां पे कमांड आप चला रहे हैं वहां पे टैम का फोल्डर है वहां पर उठा के आप क्या कर देंगे कॉपी कर देंगे। तो AWS की सिंपल सी कमांड चलाई कॉपी पेस्ट, जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दो चीजें आपने बताई। 10 GB का डेटा सेट है। अब हमें कहना क्या है, आप इसके अंदर एक चीज देख लें GZ, इससे पहले शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। CSV देखा था आपने, XLS देखा था, यानी एक्सटेंशन अभी तक नहीं देखी ऐसे ठीक है। ये सिंपल यानी आपकी आर्काइव हम करते हैं ना, तो आर्काइव फॉर्मेट है जिसके अंदर आप कॉमा सेपरेटेड या टैब्स सेपरेटेड डेटा को रख सकते हैं। तो आपने डायरेक्टली पांडास की ये खासियत देखी कि आपको आर्काइव करने की यानी उसको एक्सट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बताया था GIS फॉर्मेट के अंदर फाइल है। तो आपने क्या कहा, आपने पूरा का पूरा पाथ बताया कि भाई इस लोकेशन के ऊपर फाइल पड़ी हुई, आपने लोकेशन बता दी टैम से लेके यहाँ पे ये फाइल है, ये आपने उसकी लोकेशन बताई है, सेपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, बैकस्लैश टैब इस्तेमाल हो रहा है, कंप्रेस फॉर्मेट है तो GIS यानी जो भी आपकी यानी एक्सटेंशन है वो इस्तेमाल हम कर रहे हैं। एरर बेस लाइन, अगर किसी भी लाइन में किसी भी तरह का एरर आ जाता है तो उसको स्किप करके आगे वाला डेटा रीड करना स्टार्ट कर दो। और सबसे बड़ी बात, जितना भी डेटा है चाहे उसके जो भी फॉर्म हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, वो खुद ब खुद हर कॉलम डी टाइप क्या हो गया एसटीआर में लोड होगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अक्सर आप देखते हैं CNIC जो होता है ना, CSV फॉर्मेट में आप सेव करवाएं 13 डिजिट होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि आप जब उस डेटा को लोड करते हैं ना तो वो पॉइंट के अंदर शो कर रहा होता है पॉइंट यानी 4.333। तो फिर हमें इस तरह का जो कि जिसकी लेंथ ज्यादा होती है नंबर की और CSV में सेव करवा रहे हैं तो उसे लोड करते वक्त पहले हम STR में कन्वर्ट करते हैं, लोड करते वक्त STR करते हैं और उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो इस वजह से मेरा जितने भी कॉलम्स हैं, अगर मैं डी टाइप इज इक्वल टू STR करते हो जितने भी कॉलम है वो स्ट्रिंग में लोड होंगे। अगर आप स्पेसिफिक कॉलम को स्ट्रिंग में लोड करना चाहते हैं तो इक्वल टू के बाद आप डिक्शनरी पास करते हैं जिसके अंदर आप कॉलम सबसे पहले की जो होगी वो कॉलम का नाम होगा और डेटा टाइप कॉलम के बाद आप डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं कहता हूं ABC कॉलम इंटीजर INT तो ABC जो कॉलम होता है वो इंटीजर लोड होता, बाकी सारे के सारे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पे लोड होते हैं। ड्रॉप यानी क्या करते हैं कि कहीं पे भी अगर आपके एक सेल भी खाली है ना उसको ड्रॉप कर दे, कोई भी एक सेल खाली हो एक रो के अंदर ठीक है। तो आपको यानी जितने यानी कॉलम्स है सारे के सारे कॉलम्स का फील होना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ वो डेटा हम लोड करेंगे। शेप देख लिए, कॉलम देख लिए, हमारे पास 1.8 मिलियन जैसे मैंने बात की तो आप देख सकते हैं 1.8 मिलियन आपके पास रिकॉर्ड हैं और 15 आपके पास कॉलम्स हैं ठीक है। तो अब वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं भाई। सिर्फ और सिर्फ हम 100,000 जो डेटा सेट है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। स्लाइसिंग करना आपको बचपन से आती है, तो आपके जो फर्स्ट 100,000 आपके पास जो डेटा है वो लोड किया और सिर्फ दो कॉलम लोड कर रहे हैं। क्या क्या नाम है कॉलम के जी, क्या नाम है दोस्तों? अच्छा अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हुआ चलूं। देखें आप जब यानी आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है ना, आपका एक्सपीरियंस आपको बोल रहा होता आपने गलतियां क्या की। इस कोड में जो मैं यानी देख रहा हूँ एफिशिएंट वे जो इस्तेमाल नहीं किया गया वो क्या है
कि जो डेटा आप लोड कर रहे हैं ना सारा का सारा स्ट्रिंग के अंदर 15 कॉलम लोड होंगे, 15 कॉलम 1.8 मिलियन, तो 15 यानी 2 निकाल दो 13 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मिलियन इतने सेल आपके एक्स्ट्रा लोड होंगे, तो लोडिंग का टाइम बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा सर। तो अब ये तो बहुत गलत हुआ, मुझे उन कॉलम को जब इस्तेमाल ही नहीं करना था लोड करने की क्या जरूरत थी, लेकिन ये डेटा आपको दिखाना था इस वजह से इन्होंने आपको लोड करके दिखाया। तो क्योंकि आपको पता है कि मुझे सिर्फ ये 2 कॉलम इस्तेमाल करने, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है उसका जिसका नाम है यूज कॉल्स आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर आप सिर्फ 2 कॉलम का नाम ही पास करते तो वो 2 कॉलम ही लोड होते, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि लोड करते हुए कम से कम मेमोरी का इस्तेमाल हो। सर 2 क्वेश्चन है सर यहाँ पे। सर मैंने कोड रन किया था तो सर एक तो सर ये जो मैंने रन किया था ना सर फर्स्ट कमांड जो रन की थी जिसमें हमने S3 में डाला था इसको कमांड को डायरेक्ट डेटाबेस उठा के, उसने तकरीबन 415 MB लिया था टोटल उसने शो किया था जब मैंने CLI पे रन किया था। डाउनलोड कंप्लीट नहीं हुआ होगा ना? नहीं सर डाउनलोड कंप्लीट था क्योंकि मैंने नीचे वाली कमांड्स रन किए हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर ये हुआ है कि वो जो जितने कॉलम्स बता रहा है ना उतने ही बता रहा है, यानी कि जितने आपने लिखे हुए नीचे कॉलम्स आए हुए हैं उतने ही बता रहा है, यानी टोटल डाटा का साइज है ना वो सेम दे रहा था। ये ना 1.8 मिलियन है ना? 1.8 मिलियन ही दे रहा था सर जब मैंने उसको चेक किया ना। अगर डाटा डाउनलोड ना हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है उसके अंदर। एक तो सर ये है पता नहीं 10 GB यहाँ स्टोरेज क्यों बता रहा है सर। दूसरा ये TMP वाला जो सर ये आगे इसने डिक्लेयर किया हुआ है जो इंस्टेंस यूज होगा उसके साथ स्टोरेज अटैच किया वो 10 GB है। हाँ मैक्सिमम ये सॉरी ठीक है ये मैक्सिमम आई एम यूजिंग नोटबुक इंस्टेंस और उसके अंदर आप बैकएंड के ऊपर 10 GB स्टोरेज मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं C5 इंस्टेंस के अंदर। अच्छा ठीक है सर वो मतलब कि वो खुद डेटा टाइप डेटा को इटसेल्फ 10 GB का नहीं है। हाँ वो आपका यानी कुछ सर इसके अलावा सर TMP जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं इन्होंने आगे एक /TMP डाला हुआ है सर। इसमें मैंने S3 बकेट में जब जाके देखा तो मुझे कोई डाटा फाइल दिखाई नहीं दी, मेरे कंप्यूटर दरमियान में हैंग हो गया था तो मैं वापस रीलोड करने की कोशिश की है, मैं समझा S3 बकेट से मैं फिर से उठा सकूंगा लेकिन वो नहीं डाटा नहीं उसके बाद उठाया, उसको फिर मेरे हाथ से री अपलोड करना पड़ना है। तो अगर हम TMP हटा दें तो फिर हमारा डाटा डायरेक्टली S3 में सेव रहेगा जब तक हम उसको खुद डिलीट नहीं करते जाके? देखो जब हम इंस्टेंस बना दें ना उस इंस्टेंस के साथ जितनी चीजें कनेक्ट होती है वो मैक्सिमम डिलीट कर देता है। तो मुझे सरासर में डाटा ये वाला दिखाई भी नहीं दिया ना ऊपर जब हमने अपलोड किया ना S3 के अंदर, यानी कि GZ5 मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन ये S3 में गया ही नहीं, ये तो S3 में गया कब है? ये जो कमांड है इसने S3 की सर्विस को इस्तेमाल किया, वहां से डाटा कॉपी किया, डाउनलोड किया सही से सही से सिस्टम में। ठीक है सर ठीक है सर मुझे लगा कि मैंने कमांड गलत पढ़ा था। ठीक है चले कोई नहीं। अच्छा तो हम जी बोले यूज कॉल्स यूज अंडरस्कोर कॉल्स ओके सर यूज कॉल्स है ठीक है। तो उससे डायरेक्टली ये 2 कॉलम हम लोड करते हैं और दोनों की डेटा टाइप आप डी टाइप इज इक्वल टू STR पास कर देते हैं तो वो भी काम हो जाएगा। असल में हम कर रहे हैं NLP, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये देखना है कि भाई ये क्या है आपके कितने स्टार दिए और उसका रिव्यू क्या लिखा हुआ है। जैसे आप कमेंट पढ़ते हैं ना पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसमें क्या होता है आप 5 stars उसको यानी रेट करते हैं कि ये चीज कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे यही वाला काम कर रहे हैं, 5 आपके पास स्टार है तो आप कहते हैं भाई 2 दे रहा है तो बिल्कुल यानी आपके वर्स्ट केस है नेगेटिव है, और 3 देता है तो ये न्यूट्रल है, और 3 से ऊपर देता है तो वो पॉजिटिव में हम शामिल करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे हर एक चीज के अगेंस्ट आपके रेट दिए हुए, तो ये जो आपके रेटिंग है इस डेटा सेट के बारे में भी इसने ऊपर बताया था ये किस चीज का डेटा सेट है। Amazon का है ये, Amazon के जो रिव्यू होते हैं ना प्रोडक्ट्स के उसका ये क्या है सेंटिमेंट एनालिसिस और पॉजिटिव न्यूट्रल और नेगेटिव ये रिव्यूज हैं। तो इसकी उन्होंने जो किया हुआ है ना अभी हम डेटा सेट देखते हैं देखिए उसके अंदर आ क्या रहा है। इन्होंने एक कॉलम निकाल लिया देखें, अब एक चीज देखें कि आपके पास ओके आपके पास जो है ना वो नंबर लिखे हुए कौन से वाले कॉलम के अंदर स्टार रेटिंग का ये जो कॉलम है इसके अंदर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 से 5 तक होता है ना 5 रेटिंग होती है।
तो इसने किससे कन्वर्ट उसको मैप कर दिया, रिप्लेस कर दिया ना, जहां वन मिलेगा वहां पे उसको कन्वर्ट किससे कर देगा, लेबल नेगेटिव टू मिलता है, लेबल नेगेटिव थ्री मिलता है, लेबल न्यूट्रल और इस तरह फोर और फाइव मिलता है तो उसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, ताकि हम कैटेगोरिकल में लिए, पहले जो आपका डेटा था वो न्यूमेरिक डेटा था, ठीक है, हमने लोड उसको स्ट्रिंग किया लेकिन था तो न्यूमेरिक, हमने उसको लेवल में चेंज कर दिया दो लेवल तीन लेवल के अंदर जो रेंज थी उसके अगेंस्ट, तो ये सिंपल सा काम किया है, और उसके बाद स्टार रेटिंग वाला जो कॉलम है उसको डिलीट कर दिया, ठीक है जी, इसमें किसी को मुश्किल, आप जहां वन लिखा होगा वहां क्या लिखा हुआ आएगा दोस्तों, जी वन की जगह क्या होगा, और हमारे जी और हमारे कॉलम का नाम क्या होगा जिसके अंदर ये लिखा हुआ आएगा, लेबल नेगेटिव लेबल के नाम से होगा, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा अब जब मैंने ये डेटा डिलीट कर दिया ये अलग कॉलम, अब मुझे बताएं डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने कॉलम बचे होंगे, दो ही कॉलम है, टेबल का कॉलम है और एक रिव्यू बॉडी का, रिव्यू बॉडी और दूसरा कॉलम जो आ रहा होगा वो लेबल का होगा, क्योंकि जो भी आप नया कॉलम ऐड करते हैं वो हमेशा लास्ट के अंदर आता है, ठीक है, ये तो बच्चों वाला गेम था, ये चीज होगा। अब यहाँ पे हमारा जो काम है ना पंक टोकनाइजर, ठीक है, पंक टोकनाइजर ये है क्या, ओके, पंक टोकनाइजर जो है ना ये एक यानी आपकी टोकनाइजर की स्कीम है जो कि पहले से बना के रखी हुई है, ठीक है, इसमें क्या है लाइक इंग्लिश की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर जितने भी वर्ड है ना हर वर्ड को उन्होंने पहले से टोकनाइज किया हुआ है, टोकनाइज का मतलब पता है ना आप नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो हर वर्ड को उन्होंने टोकनाइज किया हुआ है, तो टोकनाइजर ये आपके पास मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं पंक, पंक्ट जो भी इसको प्रोनाउंस कर लो, तो ये हम पंक का यानी टोकनाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर पहले से तमाम चीजें उसने सेट की हुई, ठीक है, और अगर आप देखना चाहें तो आप गूगल से आके पंक टोकनाइजर जैसे लिखेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, काम क्या करता है, तो सिंपल सा है, पंक्चुएशन की टूल था सर, उस तरह से कुछ, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही, ओके, तो हमने क्या किया, ये जहां भी आप जुपिटर चला रहे हैं एनएलटीके आपने इंस्टॉल किया है, एनएलटीके को आप इम्पोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ डाउनलोड कर रहे हैं आप पंक टोकनाइजर स्कीम, जैसे ही मैं पंक टोकनाइजर स्कीम टैक्स जो हमारे पास है, देखिए ये रिव्यू लिखा हुआ है परफेक्ट इवन जो भी आगे यानी वर्ड लिखे हुए ओके लिखा हुआ है इस तरह की जितनी चीजें, तो हम इसके ऊपर पंक टोकनाइजर इस्तेमाल करते हैं, पंक टोकनाइजर क्या करेगा आपके हर वर्ड के अगेंस्ट यानी जो भी यानी कन्वर्जन है वो देख लेगा और उसकी मैपिंग कर देगा, तो अब आप चाहें तो उसके टोकन को भी प्रिंट करवा सकते हैं और आप चाहें तो जो आपका रियल टैक्स उसको भी परफॉर्म करवा सकते हैं, तो यहाँ पे आपने सिंपल सा जो काम किया है, देखें आपके पास जो भी इनपुट आया आपने उसको ज्वाइन कर दिया, यानी जो आपका सेपरेटर था स्पेस, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि अब जो भी एक नया टोकन आएगा या वर्ड आएगा आप उसको स्पेस सेपरेटर जोड़ेंगे, और आपके पास ये जो फंक्शन है रो रिव्यू डॉट अप्लाई लोअर, ये क्या काम कर रहा है दोस्तों, ये आपका सिंपल सा काम करेगा कि आपकी रो का जो एक टेक्स्ट है उसको निकालेगा और वो एज अ लिस्ट जाएगा तो उसको वो जोड़ देगा और बाकी उसको स्मॉल कर देगा, एक्सेस वन तो ये लेफ्ट टू राइट अप्लाई करता है, ठीक है, तो ये वर्ड वाइज एक एक चीज को जोड़ देगा और टोकनाइजर में कन्वर्ट कर देगा, और टोकनाइजर में कन्वर्ट करने के बाद उस कॉलम को क्या कर रहा है ओवर राइट कर रहा है, तो अब जब मैंने इसको ओवर राइट कर दिया नीचे हम रिजल्ट देखते हैं, देख रहे सर ये गलत है सर, शेप इसकी जो आ रही थी ना सर नीचे, ये सर ये मैंने इसको रन करके देखा है ये पूरा ज्वाइन हो रहा था सर, तो वो ये पिक्चर गलत शो की हुई है मैंने, नहीं 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 आपने यहाँ पे ना स्पेस नहीं दिया हो, एक्सक्यूज मी सर, सर मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम आया है, अगर आप स्पेस इसमें से निकाल देना तो सबको वो बिल्कुल स्पेस रखता ही नहीं है बीच में, मतलब हाँ, तो क्या स्पेस रखना है, डबल ओपन क्लोज स्पेस रखना है, अगर स्पेस रखते हैं तो फिर कैरेक्टर्स को सेपरेट कर देता है, वर्ड को सेपरेट नहीं करता कैरेक्टर्स को कर देता है, ए बी सी डी सबको सेपरेट सेपरेट उनके इन बिटवीन स्पेस डाल देता है, अच्छा देखो उन्होंने लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया है, इस फंक्शन को हम समझते हैं, देखिए हुआ क्या आपका जो एक सेल है ना वर्ड वो निकला है, ठीक है, एक यानी पूरा टेक्स्ट जो सेंटेंस है आप कंसीडर करें ये परफेक्ट इवन जो भी आपके पास ये वर्ड लिखा है ये पूरा टेक्स्ट निकला
और ये टैक्स निकल के गया आपके पास लैम्डा के फंक्शन में रो के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास रो है, हमने कहा ये जो भी रो है रो में से आप रिव्यूज की जो डिक्शनरी यानी कीज है वो निकाल लो। तो उसने उसकी कीज निकाली और उसके बाद जो आपका टैक्स है उसको उसने सेपरेटर यहाँ पे कहीं बताया नहीं है ना, सेपरेटर इसने अप्लाई नहीं किया। तो सेपरेटर आपका जो होगा उसको तोड़ने के लिए वो क्या होगा, स्पेस ही है, स्पेस से ही आपको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बस ये गलती करी हुई है, इस कोड को अगर हम सही करें तो वो गलती क्या है दोस्तों कि आपने अपने डेटा को स्प्लिट करना है और फिर उसके बाद इस प्रोसेस से आप गुजारेंगे तो वो टोकनाइज कर देगा। अच्छा अभी तो उसने टोकनाइज नहीं किया, अभी तो उसने क्या किया है, कहीं पर टोकनाइजर इसने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, लोअर केस में कन्वर्ट किया अभी तो उसने सिर्फ स्मॉल में किया। हाँ तो बस सही है, इसने पूरा टैक्स लिया स्मॉल में कर दिया तो कुछ भी नहीं है, तो जैसा टैक्स था वैसा ही रहा लेकिन स्मॉल में हो गया और कुछ काम नहीं किया इसने। तो डॉट लोअर करके इसने इतना लंबा फंक्शन इस्तेमाल किया, आप चाहते तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे और वो तरीका क्या था, str डॉट लोअर, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये स्मॉल में वो आगे इसको देखते हैं कि कहां पे टोकनाइजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। टोकनाइजर इसने कहीं 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 यहाँ पे एरर, ठीक है, ऊपर अप्लाई इसने पहले ही कर दिया है ना, टोकनाइजर तो पहले ही अप्लाई हो गया और उसके बाद स्मॉल कर दिया इसने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ऐसा ही किया है ना सर। ये टोकनाइज करने के बाद रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहे थे, उसमें चेक किया था एक एरे बनती है जिसमें वर्ड को सेपरेट किया है, कॉमा सेपरेट। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये बिल्कुल 100% जैसा था वैसे ही रहेगा। टोकनाइजर का मतलब आप समझो, आपके जितने वर्ड है ना उन वर्ड के अगेंस्ट वो इंटीजर नंबर दे देता है, ठीक है। अच्छा अब लिखा हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने दे दिया 1, 2, 3, हर एक वर्ड को एक इंडेक्स दे दिया, ठीक है। लेकिन इंसान जो पढ़ता है वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही पढ़ता है, तो उसने एक डिक्शनरी बना ली पाकिस्तान जिंदाबाद और पीछे 1, 2, 3 लिख लिया। लेकिन आपको वो अभी भी जो डेटा है, क्योंकि आपने टोकन शो करने का नहीं बोला, आपने कहा डेटा शो करो, तो डेटा आपको क्या शो करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद ही। तो यहाँ पे इसने वही वाला काम किया हुआ, टोकनाइजर अप्लाई हुआ है, उसने मैपिंग कर दी, टोकन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी आपको डेटा ही शो कर रहा है, तो इस वजह से वो पाकिस्तान जिंदाबाद जो टैक्स है वही नजर आ रहा है, ठीक है। यस सर। ओके जी, तो अब क्या हुआ, आपका डेटा ही आपको दिख रहा है, इन्होंने हेड लगाया तो शुरू के 5 जो डेटा वो आपको शो हो रहे हैं, ये 5 आपके टैक्स हैं, रिव्यूज हैं, उनके अगेंस्ट उनके लेबल्स मौजूद हैं। उसके बाद स्प्लिट करना, स्प्लिट करना इतना आसान है, आप एसक्यूएलएन को इस्तेमाल कर रहे हैं, एसक्यूएलएन में मॉडल सिलेक्शन की आपके पास पैकेज या मॉडल है, उसको आपने कॉल किया और उसको कॉल करके फंक्शन के अंदर डेटा, और उसके बाद आपने दूसरी चीज क्या पास कर दी, सिर्फ टेस्ट साइज। तो ये आपको यानी डेटा उस स्प्लिट के मुताबिक तोड़ के दे देगा। तो यहाँ पे आप देखें आपका 5% जो डेटा है वो किसका होगा जी दोस्तों, टेस्टिंग का होगा, नहीं ट्रेनिंग का होगा, बाकी आपका 5% वैलिडेशन का है और बाकी जो होगा आपका ट्रेनिंग का, तो दो हिस्सों में तोड़ देगा इस तरह करते हुए। उसके बाद जो भी आपका डेटा आया है उसको आप सेव करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या सेव करवा रहे हैं, NumPy की सूरत में सेव करवा रहे हैं जो भी आपका डेटा है, क्योंकि उसने टोकन वगैरह उन चीजों में सेव किया हुआ था, ट्रेनिंग से वैल्यूज निकाल के सेव करवा दी, NumPy वैल्यूज है, और इसी तरह आपने NumPy वैल्यूज जो वैलिडेशन है उसकी वैल्यूज सेव करवा दी। याद है ना, असल में NLP जो भी आपका एल्गोरिथम होता है वो तो सिर्फ आपका टेंसर लेता है, वो तो लेबल हमने इंडेक्स वगैरह अपनी आसानी के लिए शो किए होते हैं कि पहले कॉलम में ये चीज है दूसरे कॉलम में ये। न्यूरल नेटवर्क में जब डेटा जाता है तो कौन सा कॉलम क्या कॉलम उसे तो कुछ पता ही नहीं होता, वो तो सिर्फ टेंसर एक शेप लेता और उसको गुजारता है। अच्छा अब ये आप कह रहे हैं कि आपने जो फाइल सेव करवाई अगर उनको आप देखें तो इस तरह ये डेटा सेव हो गया। एक चीज नोट करें कि आपका जो लेबल है वो पहले आ रहा है और उसके बाद जो आपका रिव्यू वो बाद में आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपके सेज मेकर के जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो हमें ये कहते हैं कि भाई शुरू में आप लेबल रखो, बाकी इससे आगे जितना भी डेटा उसको आप बाद में रखो। याद है मैं चैप्टर 3 में भी ये चीजें पढ़ी थी, हमने हाउस पड़ा था, तो इस वजह से हमने इनकी पोजीशन वगैरह स्वैप कर दी है। ये डेटा सेट हो गया इस फॉर्म के अंदर, ये जो डेटा है ये किसके काबिल है, ये ब्लाजिंग टैक्स जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है उसको मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो बस ये टैक्स होगा, बाकी टोकनाइज वगैरह सब हुआ हुआ है।
अभी हमने लिमिटाइजर और स्टैम्प के कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई नहीं किए, तो लिमिटाइजर और स्टैम्प के कॉन्सेप्ट भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और हम किसके लिए कर रहे हैं, वर्जन टू, चलें इसको भी देख लेते हैं भाई, वर्जन टू किस लिए कर रहा है। ये चैप्टर टू के अंदर हमने जो इस्तेमाल किया था, सबसे पहले सेज मेकर को इम्पोर्ट किया है, इम्पोर्ट करने के बाद अच्छा इसमें अपलोड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, अब एस थ्री में डायरेक्ट अपलोड करके, तो आई थिंक कोई जो पूछ रहा था तो उसके ऊपर शायद ये वाली एग्जांपल की थी, जो कह रहा था कि हमने एस थ्री में उसको कॉपी किया और मुझे डेटा नहीं मिल रहा, कौन था सर? वो मेरी मेरा मिस्टेक थी सर, मैं कमेंट मिक्स अप कर दी थी दोनों की सर। ओके ओके ओके, मैं शायद ये करी हो तो ध्यान में आपके वो आ रही हो, इसलिए मैं स्ट्रेक कर रही हो, तो इसलिए कंफर्म करवाता हूँ। सेज मेकर आपने इंपोर्ट किया, सेशन बनाया, अब ये सारी चीजें आपको रटी हुई, क्योंकि ये पाइपलाइन आप 100 दफा रिपीट कर चुके हैं। सेज मेकर का सेशन बनाया, उसके बाद प्रीफिक्स यानी आप एस3 में जितनी फाइलें बनाएंगे उसके उससे पहले फोल्डर का नाम लिखा हुआ अमेज़न रिव्यू कैमराज, तो कैमराज के रिव्यूज मौजूद हैं, ये हर जहां भी आपका डेटा रख रहे होंगे उसके नाम से पहले ये फोल्डर बना हुआ होगा, उसके अंदर एक फोल्डर बनेगा एस3 के अंदर टैम अमेज़न जो भी उसके कैमरा का वर्जन वो है, ये डेटा वहां पे आपने क्या किया हुआ है रखा हुआ है, ठीक है, उसका आपने लिंक लिया और उसके बाद प्रीफिक्स इसके साथ सेट कर दिया, तो ये पूरा पाथ और इससे पहले ये पाथ जुड़ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको ये चीज पता है कि जो भी कोड चलाएंगे उसके लिए इंस्टेंस की टाइप आपको चाहिए होगी, तो हम जो इंस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं देख लेते हैं भाई, एसकेलन प्रोसेसर का हम इस्तेमाल करते हैं, उसका इंस्टेंस कॉल किया, इसने कुछ नहीं किया कि एसकेलन का जो वर्जन है वो हमने बता दिया, एग्जीक्यूशन रोल जो है ये जो आपने आई एम यूजर के राइट्स आपके पास मौजूद हैं वो सारे के सारे उठा के उसके तहत ये बना देगा, और C5 2x लार्ज भाई पैसे ज्यादा होंगे, बड़ा देख के उसको इस्तेमाल करिएगा, और उसका एक इंस्टेंस बना देगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग जो आगे जाके हम और देखेंगे भी वो करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीपल काउंट भी लिख सकते हैं कि यार 5 कंप्यूटर का क्लस्टर या 5 क्लस्टर मिलके काम करें, तो ये भी हो सकता है। तो हमने एक मशीन अप करने का कहा कि यार ये मशीन हमें अप करनी है, उसके बाद हमने प्रोसेस इनपुट के ऊपर गए, उसमें क्या हो रहा है कि आपने प्रोसेस इनपुट है, प्रोसेस आउटपुट है, एसकेलन रन, आपके पास एक फाइल है प्री प्रोसेसिंग, जो कि आपने चैप्टर टू के अंदर आई थिंक प्री प्रोसेसिंग पे काम किया था, ठीक है, जिसमें आप पाइथन का कोड लिखते हैं, कोड उठाओ उसको कन्वर्ट करो, ठीक है, मिसिंग वैल्यू को आप फिल करो, वो सारे काम आप प्री प्रोसेसिंग की फाइल में राइट करते हैं। उसके बाद आपका जो इनपुट है, इनपुट के अंदर आपने बता दी इनपुट सोर्स ऊपर वेरिएबल में आपने डिफाइन की हुई है, और इसी तरह उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आप कहां सेव करवा दोगे, वो डेस्टिनेशन होगी इनपुट की ही, ठीक है, तो आपका रो डेटा कहां से उठाएगा और उसको फाइनलाइज करके कहां पे सेव करेगा वो चीज हो गई। उसके बाद क्या है आउटपुट, आपका आउटपुट भी यानी ट्रेन होगा, तो आउटपुट का पाथ कहां पे है वो आप बता रहे हैं, वैलिडेशन का यानी पाथ कहां पे है वो आप बता दो, ट्रेनिंग और वैलिडेशन, तो आपके जो भी आउटसोर्स यानी आउटपुट होगा वहां पे सेव करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक इससे पहले आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा, इसका इस्तेमाल किया अभी नहीं किया सर, इस पार्ट में नहीं किया। जी आर्ग पास sys.arg v आपको अच्छी तरह याद होगा, जब हम कंसोल एप्लीकेशन बना रहे थे और कंसोल में यूजर से इनपुट लेना हो, एक तो मतलब इनपुट का फंक्शन होता है और एक इसी तरह मैं लिखता हूँ python space abc.py space 1 space 2, ठीक है, तो आपने तीन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किए python, python के बाद आपने फाइल का नाम, फाइल के नाम के बाद आपने 1, फिर उसके बाद आपने 2, तो मैं चाह रहा हूँ ये जो लास्ट की यानी आपने दो वैल्यू पास की इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, तो ये जो आप रन प्रोग्राम में कंसोल में जाके कोड लिखते हैं ना यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊं कहाँ गया यार, मैं यहाँ पे आता हूँ एक मिनट, टर्मिनल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एक मिनट, आपने यहाँ पे लिखा पाइथन, ठीक है, abc.py 1, 2, यहाँ पे ये आप पाइथन एबीसी 1 स्पेस सेपरेट स्पेस दे देंगे, आप जो चीज पास कर रही है सारे के सारे क्या है पैरामीटर, और इंटर करता हूँ खैर एरर दे रहा है क्योंकि एबीसी फाइल यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, कह दिया इसने, अगर मौजूद होती है और उसके अंदर कोई काम करवाते तो वो हम कर सकते थे,
तो यहाँ पे कंसोल से यूजर से इनपुट लेने के लिए हम ये कमांड्स आर्ग पार्स को इस्तेमाल करते हैं, आगे जाके इस्तेमाल होगा। तो हम कंसोल के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट जो है ना वो बता दिए। तो हमने पहला फ्लैग कौन सा बताया, फाइल का नाम होगा। दूसरा फ्लैग क्या होगा, रिव्यूज कितने उठाने हैं जो आप स्प्लिटिंग कर रहे थे अभी, और आखिरी स्प्लिट कितना करना टेस्ट वैलिडेशन। ठीक है, तो अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी प्री प्रोसेसिंग की फाइल के अंदर। ये आपकी प्री प्रोसेसिंग की फाइल है, देख लें भाई इस्तेमाल की हुई है। प्री प्रोसेसिंग में आपने सिस्टम प्रोसेस सब प्रोसेस वगैरह कॉल किए, नंपाई कॉल किया हुआ है। यहाँ पे आपने एक फंक्शन बना दिया इंस्टॉल का, जो भी पैकेज का नाम पास करूंगा उसको ये क्या कह रहा है कि सब प्रोसेस बना के और उसको कोड को चला देना, पिप इंस्टॉल पैकेज का नाम। देख रहे हैं आप, ये बड़े काम की चीज आपने बना दी। यानी आपने जुपिटर के नोटबुक को लोड यानी नहीं करना, और बैकएंड के ऊपर ये चीज भी इंस्टॉल कर देनी है सब प्रोसेस बना के। तो ये आप सब प्रोसेस बना के कोई भी कमांड पाइथन की जो आप चलाना चाह रहे हैं बैकएंड के ऊपर, आप कंसोल पे जाके वो सारी कमांड यहाँ पे आप चला सकते हैं। तो पिप इंस्टॉल की कमांड आपने यहाँ पे चला दी सब प्रोसेस के तौर पर। इंस्टॉल, अब इंस्टॉल का फंक्शन है भाई आपके ऊपर बना चुके हैं, और यहाँ पे आप इंस्टॉल कौन सा पैकेज कर रहे हैं दोस्तों, एनएमटी के, इसी तरह नंपाई पांडास जो भी आपको करना होता है स्ट्रिंग के अंदर पास करते हो उसको इंस्टॉल कर देता। यहाँ पे वो काम स्टार्ट हुआ, हमने कहा आर्ग पास आर्ग्यूमेंट जो भी पास हुए हैं, पहले आपके पास फ्लैग होगा कौन सा फ्लैग होगा, फाइल नेम, उसको आप उठाना, उसके आगे जो भी वैल्यू डाली हुई होगी इक्वल के बाद वो आप एज ए स्ट्रिंग उठा लेना। दूसरा आपके पास क्या है, रिव्यूज, उसको किसमें उठाना जी दोस्तों, इंटीजर, क्योंकि 1-3 रिव्यूज आपने डाले हुए थे। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, स्प्लिट रेशियो, स्प्लिट रेशियो के अंदर 0.1, 0.2, तो इसमें क्या डिफॉल्ट वैल्यू क्या डाली हुई है, 0.1 का मतलब है 10%, तो 90% ट्रेनिंग होगा और 10% आपका टेस्टिंग होगा, ये स्प्लिट कर दिया। उसके बाद देखा आपने कमांड चलाई, जैसे आप ये कमांड चलाते ना तो आर्क आपके अंदर यानी आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, जिस लिस्ट के अंदर सारी चीजें जितनी आपने कमांड दी। तो आपने पहली यानी आर्क के अंदर फाइल का जो भी नाम है वो उठा के फाइल के नाम में डाल दिया, आपने जो रिव्यूज में वैल्यू डाली वो इंटीजर होगी उसको नंबर ऑफ रिव्यूज में डाल दिया कितने रिव्यूज उठाने, और स्प्लिट रेशियो जो है फ्लोट के अंदर आई उसको स्प्लिट रेशियो में डाल दिया, बस सिंपल सा काम हो रहा है। और उसके बाद आपने ये कमांड आगे इस्तेमाल कर ली, आगे और बहुत सारा कोड है, इसने सारा कोड नहीं दिखाया तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो इसकी डिफॉल्ट हमारे पास रैपो है आप उसको इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट है। ये क्या हो रहा है, कोई समझाए मुझे जी दोस्तों, पाथ ज्वाइन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई समझाए। दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहा है, फाइल नेम को और ये जो opt/ml/processing input, ये पूरा पाथ आ रहा है ना हमारी फाइल का, इनपुट जो फाइल है उसका पूरा पाथ, नाम होगा उसको एक नया पाथ, फाइल नेम को एड्रेस के साथ ज्वाइन कर रहा है। ओएस क्या है ये, ओएस पाथ, उस ओएस ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और पाथ डॉट ज्वाइन जो है ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है ना, डायरेक्टली पाथ को ज्वाइन करने के लिए, पाइथन के अंदर फोल्डर्स मैनिपुलेट करने के लिए, बनाने के लिए और वो करने के लिए। तो जहां से भी आप रिलेटिव पाथ वगैरह आपका चल रहा है ना, बैकएंड का जितना भी पाथ है वो खुद ब खुद वहां तक तो उठा लेगा। ठीक है, और उससे आगे जो ये आपका पाथ है और फाइल का नाम है इनको ज्वाइन करके आपको एक ऐसा पाथ दे देगा जिसको आप जब भी कॉल करेंगे उसके एरर के चांसेस नहीं होंगे, अदरवाइज आपके एरर्स आ जाते हैं रिलेटिव पाथ वगैरह जब हम पास करते हैं। ठीक है, तो ओएस जहां तक ये पाथ है उसको ढूंढ लेगा और उसके बाद फाइल का नाम उसके साथ जोड़ देगा। उसके बाद आपका जो पाथ है इनपुट पाथ के नाम से वेरिएबल बना, उसको मैंने यहाँ पे पास किया, बाकी ये वही चीज है जी जेब टैब एरर आए तो क्या करना है, और आगे आपको अच्छी तरह याद होगा कि आपने उसको क्या किया था, ड्रॉप किया था जो भी आपके पास नल वैल्यू आ रही थी। आपके 13 कॉलम थे, 13 कॉलम में से आपने कितने कॉलम लिए थे, 2 कॉलम, और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया था, वही सारा काम है, सही है ना, ऊपर वाले पे ब्लाजिंग टेक्स्ट पे किया था ना अभी, ये वही वाला कोड है, लेकिन ये वर्जन 2 आप इसको उसके ऊपर कर रहे हैं सेज मेकर स्टूडियो के ऊपर, ऊपर वाले काम आगे लिखा होगा। अच्छा, एंड फाइनली आप क्या कर रहे हैं भाई, आपने स्प्लिटर जो स्प्लिटर देखो आपने वो कंसोल से लिया हुआ यूजर से, आपने वो जो स्प्लिट रेशियो लिए उसके तहत अपने डेटा को तोड़ दिया, कौन सा जो मैन डेटा है, मैन डेटा को आपने ट्रेनिंग और वैलिडेशन के अंदर तोड़ दिया। अच्छा, अब ये आपके पास ट्रेनिंग का पाथ,
कंप्यूटर सामने ओएस जो भी उसका पाथ है जहां पे भी मेरे लोकल सिस्टम पे चले सर्वर पे चले जहां भी चल रहा है भाई उसका पाथ लो। उसके बाद ये जो पाथ है ये नाम लिखे हुए आपको मिलेंगे और ये फाइल का नाम मिलेगा, इनको आपस में जोड़ दो। ये दो चीजों को जोड़ के आपको एक ट्रेनिंग का पाथ दे देगा, वैलिडेशन के आउटपुट का पाथ दे देगा, उसके बाद फाइलें कहाँ सेव करवानी है तो वो सेव करवाने वाला वही प्रोसीजर। ठीक है, तो ये डेटा जो सेव करवाना है ट्रेनिंग पाथ NumPy का जो डेटा है ये वाले पे करवा देगा, और ये वैलिडेशन का आउटपुट पाथ है जो ऊपर हमने ये बनाया है ये वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस जो उसी कंटेनर में चलाएगा क्योंकि आगे जाके हम कंटेनर के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपका इंडिविजुअल हर काम जो है बैकएंड के ऊपर कंटेनर में हो रहा है, तो ये बैकएंड कंटेनर के ऊपर जिस कंटेनर के अंदर ये आपका डेटा होगा वहां पे जाके ये सब प्रोसीजर पे इंस्टॉल करके काम कर देगा। वर्ड वेक्टर, आई थिंक ये अनसुपरवाइज आपके पास एल्गोरिथम है जो कि आपके वर्ड की सिक्वेंस को सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर उन्हें सेट करता है। स्पेशल लाइब्रेरी का तस्करा किया था मैं? यस सर, किया था। ठीक है, तो एनएलपी की बड़ी इंपॉर्टेंट वो है टोकनाइजर, रेगुलर एक्सप्रेशन, पैटर्न फाइंड करना, वो सारे काम हम इससे कर रहे होते हैं। लिमिटाइजर और स्टेमर का भी हमने काम किया था। यस सर, किया। उसका एक लिंक है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, उसको थोड़ा सा आप और डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि लिमिटाइजर का क्या काम है, बल्कि इसी किताब में दिया हुआ, और दूसरा क्या है स्टेमर का क्या काम है। ठीक है, तो वो उसका बेस्ट जो वर्ड होता है ना वो फाइंड प्लूरल को यानी जो आपके हैं उनको सिंगुलर में कन्वर्ट करता है, और दूसरा वाला जो है वो उसकी पंक्चुएशन वगैरह उन चीजों को देख रहा होता है। सबका मतलब ये होता है कि यार जितने भी वर्ड है ना जिनको मुख्तलिफ तरीकों से आप लिख सकते हैं उनको एक जनरल वे में लिखो, उनके जो पैरेंट वर्ड होते हैं ना उसके ऊपर लाके रखो ताकि उनके दरमियान रिलेशनशिप वगैरह फाइंड कर सके। तो स्पेसी हमने डाउनलोड किया है और इंग्लिश की जो स्पेसी वो है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि यहाँ पे ब्लाजिंग वेक्टर जो है ना आपके जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं उनको अनसुपरवाइज वे में उनकी सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर वो क्या करता है उनको सेट उसने किया हुआ। तो एक समझें एक लाइब्रेरी आपके पास बनी, डेटा लोड कर रहे हैं भाई। ठीक है, कैमरा वाला ही डेटा ही है अभी तक। जी जिप है, बेस लाइन एरर 1000, ठीक है, जो इनिशियल है 100,000 जो है इनिशियल हम लोड कर रहे हैं, बाकी सारे वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे वो काम हुआ स्पेसी से आपने इंग्लिश, क्योंकि आपकी जो स्पेसी है दूसरी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करती है आपके टोकनाइजर वगैरह की स्कीम। ठीक है, वेक्टर जो आपके यानी रिव्यूज हैं उनके वर्ड वगैरह की जो भी वेक्टर स्पेस में लैटिन स्पेस में डिस्टेंस वगैरह है वही आपको प्रोवाइड कर देता है। सिंगुलर वर्ड जैसे आपका हमने बात की थी लिमिटाइजर और किसके थी दूसरा स्ट्रीमर। अच्छा, इसमें कुछ कह रहा है एनएलटी के टोकनाइजेशन प्रीवियस एग्जांपल, ये भी टोकनाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये कोई फंक्शन समझाएगा? ये टोकन्स जो टोकन्स बना रहा है ये इनके टोकनाइज कर रहा है वो जो टेक्स्ट फॉर्म में है डेटा उसको उन्होंने स्पेसी इस्तेमाल कर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है उसके अंदर वो कर रहा है कि भाई वो टेक्स्ट को लो लेकर फिर वो उसके अंदर जो उसके वो बना दो जो टोकन्स अभी हमने वेरिएबल लिया है टोकन्स का जिसमें हमने टेक्स्ट को टोकनाइज किया उसमें से जो टेक्स्ट है ना उस उन टोकन्स में से जो टेक्स्ट है उसको उठा लो। ई डॉट टेक्स्ट का मतलब सर क्या होगा? अच्छा मुझे एक मिनट देना यार। असल में ऐसी बहुत ज्यादा कूलिंग कर रहा था मैं आप लोग की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अच्छा जी, हमारे पास ये इस टैक्स फंक्शन को समझते हैं। इसमें एक टैक्स आएगा पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, स्पेसी टोकनाइजर
हर वर्ड को उन्होंने पहले से भाई उन्होंने नाम दिया हुआ है कि यार इस वर्ड का अगेंस्ट ये वन टोकन होगा, पाकिस्तान का वन है, ठीक है, जिंदाबाद का टू है, तो इन्होंने उसको टोकनाइज वगैरह उसकी सीरीज वगैरह सब कुछ पहले से बना के रखी हुई है इंग्लिश की। तो हमने क्या किया, क्योंकि इंग्लिश हमने स्पेसिफिक किया है, हमने इसको टोकनाइजर स्कीम से गुजारा, तो इसने सारे के सारे टोकन्स दे दिए, यानी आपका जो पाकिस्तान जिंदाबाद था वो आप कंसीडर करें कि टोकनाइजर स्कीम से डिक्शनरी की सूरत में या एटीट्यूड की सूरत में वो कन्वर्ट हो गया। हर वर्ड का जो भी टोकन है वो उसके सामने आ गया। मैंने कहा यार ये जो टोकनाइजर आया है ना, टोकन आए, इस टोकन में से आप टी निकालें और टी में से सिर्फ टेक्स्ट निकालें, तो इसका मतलब क्या है, टोकन नहीं निकाल ले, दोबारा हम उसमें से क्या निकाल लें, टोकन में कन्वर्ट तो हो चुका है लेकिन हम अब क्या निकाल लें, टेक्स्ट वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें, पाकिस्तान गया तो पाकिस्तानी वापसी है। उसके बाद आपके पास जितने भी टोकन है उनको आप स्पेस के साथ जोड़ लो और उसको छोटा कर दो, स्मॉल में कर दो। तो इसने वही वाला काम किया जो ऊपर वो करके दिखा रहा था। अब इस फंक्शन में आपने कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद रिव्यू बॉडी के अंदर ये आ गया, ओवरराइड हो गया, ये देखें उसी तरह आ रहा है, ये ट्रेनिंग डेटा वगैरह इंपोर्ट ये सेव कर रहे हैं आप लोग नंपाई के जरिए, तो वही डेटा आप पूरी की पूरी मैट्रिक्स आप सेव करवा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो इस तरह सेव हो जाएगा। ये देखें इसमें लेबल सेव नहीं कराया ना इन्होंने, ट्रेनिंग डेटा में से लेबल कहां गए, अब तक लेबल में नहीं आया, वैल्यूज निकाली, चलो लेबल इसने सेफ नहीं करवाया, लेबल भी इसको सेफ करवाने थे। सर ये प्रोसेसिंग का तरीका बता रहे हैं, हमें पता है कि भाई लेबल जाता है, लेबल फर्स्ट पे जाता है, सारी चीजें हमें पता तो है, हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसने तो प्री प्रोसेसिंग आपको करके दिखा दी कि भाई इतने तरीकों से आप प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं। दूसरा वाला देखें कितना आसान कर दिया ना, स्पेशल लाइब्रेरी से किया, आपने दूसरे तरीके से किया था, इससे पहले आपने एक और तरीके से किया था, तो इसने दो तीन तरीके आपको बता दिए, अब आपकी मर्जी है प्री प्रोसेसिंग आप किस तरीके से करते हैं ब्लाजिंग टैक्स के लिए। अच्छा जी, हमारे पास LDO और NTM टॉपिक यानी सिलेक्शन के लिए या टॉपिक कैटेगराइजेशन के लिए या क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लासिफिकेशन अलग है और आपके पास कैटेगराइजेशन यानी कैटेगराइज या ग्रुपिंग करना वो काम अलग है। तो देखते हैं भाई ये क्या क्या काम करवा रहे हैं। मिलियंस न्यूज हेडिंग हमारे पास मौजूद है और ये आई थिंक कौन सा चैनल का डेटा है देख लिएगा, ABC जो भी कह रहा है, ये सोर्स हम डेटा उठा रहे हैं, इसमें मिलियंस न्यूज हेडलाइंस है, ठीक है, और ये रियल डेटा है, फैक्ट डेटा नहीं है, ओरिजिनल डेटा ऑथेंटिक डेटा इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पास NLTK है, इसी तरह जेनसिम के नाम से भी हमारे पास एक पैकेज एक लाइब्रेरी है, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, इसके भी बहुत सारे काम है, NLP की बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, ठीक है। अच्छा अब आपने नंबर ऑफ लाइन्स कितने उठाई है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ कितनी उठाई है, 1 मिलियन, वहां पे 100,000 पे कर रहे थे, तो हम टॉपिक वाला जो काम है ये हम मिलियन पे कर रहे हैं, ठीक है, 10 लाख के ऊपर कर रहे हैं, 10 लाख पे ही आप, जी सॉरी कोई कुछ कह रहा है, आपकी आवाज कट कट क्या आ रही है। अच्छा अब बताएं मेरी आवाज सही आ रही है, क्लियर है सर, आवाज सब क्लियर है। अच्छा ठीक है, अक्सर में वो इंटरनेट की ना प्रॉब्लम कभी मेरे साइड से भी हो सकती है, कभी आप लोग के साइड से भी हो सकती है, तो यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, ऑनलाइन के नुकसान आते हैं। चलो जी ओके चलते हैं, ब्लैक बॉक्स आ रहा होगा टॉप बॉटम राइट के ऊपर, तो आई थिंक वो टैक्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसकी वजह वही है वो चैट बॉक्स खोलता तो आपकी ब्लैक बॉक्स को शो कर देता है। हमारे पास ये डेटा सेट है जो कि 1 मिलियन है, 10 लाख डेटा सेट है, इसके अंदर आपके पब्लिश डेटा और आपकी जो हेडिंग है वो हेडिंग यहाँ पर मौजूद है, हेडलाइन है बस और कुछ नहीं है, उससे रेलेवेंट जो पूरी डिटेल है वो कहीं ना कहीं और मौजूद होगी। तो हमने हर हेडिंग सेव की हुई है, कौन सी चीज का पब्लिश हुई हुई, ये डेटा सेट उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा भाई फैक्शन डेटा है वो शफल वगैरह कर देता है, पब्लिश डेटा हमारे पास मौजूद है और यहाँ पे पब्लिश डेट के कॉलम का कोई काम नहीं था, तो जब इस कॉलम का कोई काम नहीं है तो आपने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, डिलीट क्यों करना है, नो सर, ठीक ग्रेट। अच्छा जी तो हमने अब हमारे पास जो सिर्फ डेटा बचा होगा वो सिर्फ हेडिंग्स है, हेडलाइंस है, सॉरी हेडिंग का मतलब हेडलाइंस बातें की है, तो हेडलाइंस हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे स्टेमिंग और लिमिटाइजिंग जो यानी कॉन्सेप्ट है वो आपको बताए गए,
ये आपके पास पूरा लिंक है भाई, इसको जरा पढ़ लीजिएगा। स्टेमिंग और लिमिटाइजिंग का क्या काम है, ठीक है? मैं सिंपल कह रहा हूँ कि भाई आप ना उसको जितने भी वर्ड है ना उनके जो पैरेंट वो है हायरार्की उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ग्रामर की हम बात करें तो आप लाइक वाज एम और इस तरह करके आप पास्ट फ्यूचर इसकी बात करते हैं, तो ये भी ये क्या करता है उसके पंक्चुएशन और जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसको ऐसा जनरल वर्ड इस्तेमाल करे कि लाइक उसने इज विल उन सब की जगह इसने कन्वर्ट कर दिया लाइक बी होने की बात हो रही है, ठीक है? तो इस तरह करके यानी ये चीजों को कन्वर्ट करते हैं, जनरलाइज वे पे लाता है आपकी जितनी भी चाइल्ड वे के अंदर चीजें होती है। तो ये लिंक है, इसको बाद थोड़ा आप डिटेल से पढ़ें। इसका भी कोड इंतहाई आसान है दोस्तों, स्ट्रिंग है, एनएलटी के कॉर्पस प्रोटेक्स को हम कहते हैं, स्टॉप वर्ड पूरी पूरी लिस्ट है, इज हैम आर उस तरह के जितने वर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं रिपीटेशन, जो बार बार होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं होती और वो आपके पूरे स्ट्रक्चर को या लर्निंग को खराब कर सकते हैं, तो इस वजह से हम स्टॉप वर्ड को मिटा देंगे, ठीक है? तो स्टॉप वर्ड उसकी लाइब्रेरी लिस्ट पहले से बनी हुई इंग्लिश के अंदर, स्टॉप वर्ड कौन कौन से होते हैं वरना तो आपको सब याद रखना पड़ते हैं ना, तो स्टॉप वर्ड जो है इसने भाई पहले से ढूंढे हुए वो सारे के सारे खुद उठा लें, ठीक है? आप चाहे तो स्टॉप वर्ड की लिस्ट के अंदर फर्दर आपको कोई लगता है कि कोई नया वर्ड आ रहा है वैसे तकरीबन सारे इसमें होंगे, अगर आपको लगे तो आप स्टॉप वर्ड की लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो स्टॉप वर्ड एक लिस्ट है जो पहले से बना के रखी हुई है। स्टैम, ठीक है? तो स्टैमर जो है आपके पास वर्ड नेट, लिमिटाइजर जो है हमने लिमिटाइजर को इस्तेमाल किया, हमने डाउनलोड किया क्योंकि मैंने अभी बात की कि स्टॉप वर्ड जो है पूरी लिस्ट है तो आपने उसको डाउनलोड कर लिया। किस में कहा डाउनलोड किया आपने? इंग्लिश की विकैबलरी के अंदर, बाकी नीचे वाले लाइन कमेंट है। ये आपने स्टैंड बना दिया लिमिटाइजर का, तो जिसमें भी आपको लिमिटाइजर स्टॉप वर्ड रिमूव करने, ठीक है, या दूसरी कोई भी चीज आपको हासिल करनी है तो आप इस इंस्टेंस के जरिए हासिल कर सकते हैं। वर्ड नेट लिमिटाइजर ये एक इंस्टेंस है। अब देखो आपको वही फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर अगर आप देखें स्ट्रिंग पंक्चुएशन निकलती है, पी में आती है, उसके बाद जो भी पी आपके पास आया है ये क्या करेगा, जो आपका रियल टैक्स है ना उस टैक्स में जाने के बाद ये रिप्लेस कर देगा आपका जो भी पी इसमें मिलता है पंक्चुअल या आपके यानी स्टॉप वर्ड इस तरह की कोई भी चीज इसको मिलती है तो ये उसको रिप्लेस कर रहा है किससे, स्पेस के साथ। नहीं, स्पेस भी नहीं है, उसको खत्म कर रहा है, उसको खत्म करके यानी पाकिस्तान लिखा मैं कहता हूँ रिप्लेस कर दो, ठीक है? तो जहां जहां ये लिखा वो खत्म हो जाएगा, बाकी की स्पेलिंग बचेगी बस, तो उसको नल तो ना कहें, उसको क्या कह सकते हैं यार, बस उसको रिमूव कर देगा ये कह सकते हैं, ठीक है? तो उसको रिमूव कर देगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि इसमें क्या हो रहा है भाई, इस डिजिट ये डिजिट ना हो तो आपके जितने भी यानी टैक्स है उस टैक्स में से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या निकाल के देगा, जो टैक्स है अगर उसमें कोई नंबर आता है, अगर वो नंबर नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज रिटर्न नहीं होगा। तो अब आपका टैक्स जो बचा होगा, जैसे नीचे आप देख सकते हैं ना, ऊपर अगर कोई गिनती लिखी हुई थी, नंबर कोई लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, अगर कोई नंबर वगैरह लिखा हुआ होता तो ये उसको रिमूव कर देता। दो काम होगा, स्टॉप वर्ड आपने यानी लिमिटाइजर से गुजारा वो रिमूव कर दिए, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, कोई भी नंबर आता उसको रिमूव कर दिया, उसके बाद उसको क्या कर दिया आपने, स्प्लिट कर दिया, वो स्पेस से बाय डिफॉल्ट यानी स्प्लिट हुआ होगा, और हर एक वर्ड को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, पहले स्मॉल किया और उसके बाद स्प्लिट किया, ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है ना, चैन सिस्टम में काम हो रहा है। पाकिस्तान बीच में कोई स्पेस या अगर आप जी जी स्प्लिट लगाते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास वैल्यू पास हो रही होती है स्प्लिट की वो स्पेस ही होती है, तो इसलिए उसने स्पेस से, अच्छा इसने स्पेस से तोड़ा, सबसे पहले स्मॉल किया उसके बाद उसने स्पेस से इसको तोड़ा है। नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर स्टॉप वर्ड वाली वो कंडीशन आ रही है, तो लिमिटाइजर वगैरह जो है वो चीज उसने ऊपर अप्लाई की हुई थी, पंक्चुएशन में आता है, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे स्टॉप वर्ड की जो लिस्ट है ना उसको रिमूव कर रहा है। आपके स्टैक्स के अंदर अगर जो स्टॉप वर्ड में चीज आती है वो मौजूद है तो उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, ऐसा ही है ना, लूप चल रहा है, फॉर लूप चला है यहाँ पे, अगर आप देखो ये लॉजिक आती है, टेक्स में से एक वर्ड लिखा रहा है W में गया और आपने देखा कि जो W है ये स्टॉप वर्ड की लिस्ट में ना हो, अगर नहीं है तो आप वापस रिटर्न करो, तो इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है? लिमिटाइजर जो आपने अप्लाई किया हो तो फिर वही आपने लूप चलाया, W निकाला और W को लिमिटाइजर के फंक्शन में
पास कर दिया। तो लिमिटाइजर क्यों होता है ना, जो भी आपके जैसे लिखा हुआ केट्स, तो भाई कैट्स को कैट कर देगा, ठीक है, केटी लिखा हुआ इस तरह तो उसको भी कैट कर देगा। तो ये लिमिटाइजर इस तरह की चीजों पर काम करता है। फाइनली आपको जो लिस्ट बनती है उन वर्ड की वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि आपने लिस्ट के अंदर वर्ड ही ये रिटर्न करवाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे यानी वर्ड है। अच्छा आप ना एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट क्या करके देखिएगा, अपना एक कोई टेक्स्ट बनाइएगा, उसके अंदर जो हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं ना कि सिंगुलर प्लूरल उनको वो सिंगुलर में कन्वर्ट कर देता है, स्टैमर जो यानी अपनी खासियत बता रहा है, तो वो वैल्यू डाल के देखिएगा जिसको वो कन्वर्ट करता है, ताकि आपको रिजल्ट नजर आए। तो ये हमेशा अपनी एक्सपेरिमेंट की आदत बनाए कि कोई भी इस तरह की चीज सीखें जो आपने आज से पहले अप्लाई नहीं करी, तो उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे बाकी जो आप सोच रहे हैं वही रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वही रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है आप उस कोड को समझ रहे हैं, उस लॉजिक को समझ रहे हैं, अदरवाइज आपको वो समझ नहीं आ रहा। ये आपके पास हेडिंग्स हो गई हैं। ये भी हमने लास्ट टाइम शायद अप्लाई किया था, कॉर्पस याद है? यस सर, ये डिक्शनरी का कह रहे थे ना कि ये बनी हुई डिक्शनरी है जिसके साथ मैचिंग करते है वो। जी, तो वही जो हमारे पास पंक हमने पढ़ा था, या फिर हमने ये जो यानी स्कैपी वगैरह से यानी लाइब्रेरी को वर्ड एम्बेडिंग वगैरह हासिल की थी। तो असल में इन्होंने इंग्लिश सेंटेंस की ना पूरी की पूरी लाइब्रेरी बना के दी हुई जो कि टोकनाइज वगैरह हुई हुई। तो हमने इस पूरे के पूरे टैक्स को हमने टोकनाइज में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं स्टेप रिपीट करूं, इन्होंने क्या काम किया भाई देख लेते हैं। इन्होंने डेटा लोड किया है, ठीक है, डेटा लोड करने के बाद इन्होंने स्टॉल वर्ड उसमें से रिमूव कर दिए, उनकी पंक्चुएशन वगैरह जो भी चीजें आ रही थी, उनकी हायरार्की जैसे मैंने कहा था इज एम आर वगैरह आ रहा है तो वो उसको बी में कन्वर्ट कर देगा, आपके प्लूरल वर्ड आ रहे हैं तो उनको सिंगुलर में कन्वर्ट कर देगा, तो अभी आपका टेक्स्ट इस तरह कन्वर्ट हुआ, ये लिस्ट आपके पास आ गई। जब आपके पास लिस्ट आ गई तो नेक्स्ट आपने क्या किया, लिस्ट के अंदर जितने वर्ड है उनको टोकनाइज से गुजार। तो टोकनाइजर या तो मुझे नई अपनी डिक्शनरी खुद बनाना पड़ती, पाकिस्तान को 1 दो, जिंदाबाद को 2 दो, या पहले से इन्होंने एक डिक्शनरी बना के दी हुई थी कॉर्पस के अंदर, वो डिक्शनरी मैंने कॉल कर ली। डिक्शनरी में जैसे ही कॉल करता हूं तो आपके जितने ये वर्ड थे उन वर्ड को खुद ब खुद वो कन्वर्ट कर देगा जो पहले से उन्होंने बनाई हुई है अपनी डिक्शनरी, ठीक है। तो उस डिक्शनरी के तहत वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। जी, अगर वो वर्ड जो है वो डिक्शनरी में ना हो तो वो नया बना देगा उसके लिए टोकन एक और, या क्या करेंगे? वो उसको क्वेश्चन मार्क कर देता है। लास्ट हमने उसके अंदर काम भी किया था जब लाइक चैप्टर 7 में हम लोग काम कर रहे थे अपने प्रीवियस क्वार्टर के अंदर, तो हम ये टोकनाइज वाला काम खुद कर देते हैं। तो अगर वो डिक्शनरी में नहीं होता तो फंक्शन में लिखा हुआ भाई क्वेश्चन मार्क से आप उसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि आपके देखो 90% वर्ड जो मिल जाते हैं उससे आप टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो टॉपिक को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, एनटीएम ये इसके बारे में बता रहा है। ये ऊपर जो टोकन लिखा था उसका क्या मतलब कि वो इतने टोकन्स बने हैं उसके? जी हाँ, 80,000 यानी आपकी यूनिट टोकन्स वगैरह मौजूद हैं। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि यार बहुत ही कम शादिर और नादिर इस्तेमाल होती हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी इस पर डिस्कस किया था कि अगर एक या दो केस हैं और उसको आप जनरलाइज वे में बोल रहे नहीं यार इसको लर्न करो, तो आप इस तरह की यानी कॉमन चीजों को या रेलेंट जो भी आपकी यानी चीजें आ रही उनको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोस्ट फ्रिक्वेंट जो वर्ड्स एंड टोकन्स हैं हर लाइन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमने कहा मोस्ट फ्रिक्वेंट जो है 512 जो होते हैं उनको आप उठा लो टॉप, और बाकी जो उसके बाद यानी एक्स्ट्रा यानी इतने कम इस्तेमाल होते हैं फ्रिक्वेंसी वगैरह उनकी कम आती है उनको आप छोड़ दो। तो यहाँ पे ये सिंपल सा काम हुआ है, यहाँ पे वो डिक्शनरी वगैरह में वो कन्वर्ट उसके इंडेक्स नंबर वगैरह बना रहा है, हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स होती है स्पार्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरा हमने वो पढ़ा था एक एल्गोरिथम कौन सा था, एक मिनट, डिक्शनरी टू बिल्ड बैग ऑफ वर्ड, तो बैग ऑफ वर्ड वगैरह में ये कन्वर्ट कर रहा होता है। बैग ऑफ वर्ड याद है फ्रिक्वेंसी यानी काउंट करके हम अपने पास रख रहे थे,
ठीक है, तो वो हर उसके अंदर, वो के अंदर उसके टोकनाइज, उसके हेडिंग के ये वर्ड कितनी दफा आ रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी अपने पास नोट कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, इसने क्या किया है, हर एक टोकन और उसकी फ्रिक्वेंसी, टोकन का नंबर है उसकी फ्रिक्वेंसी है, टोकन का नंबर उसकी फ्रिक्वेंसी, टोकन के नंबर उसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये डेटा की शेप है जो कि एन टी एम जो हमारा एल्गोरिथम है वो एक्सेप्ट करता है। तो एन टी एम एल्गोरिथम को अगर आपको देना है तो आपको डेटा जो देना होगा टोकन और उसकी फ्रिक्वेंसी देना होती है। क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिथम काम इसी तरह करता है। न्यूरल नेटवर्क पे काम करते हो, नंपाई का एरे लेता है, ठीक है। डिसीजन ट्री में ले रहे हैं तो आप सेमी कैटेगराइज डेटा यानी कैटेगोरिकल डेटा वगैरह भी उसमें पास कर सकते हैं। ऐसे ना आप के मीन पे काम कर रहे हैं भाई, नंबर में ही कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। तो हर एल्गोरिथम अपने मुताबिक डेटा एक्सेप्ट करता है। तो इसी तरह एन टी एम जो डेटा है वो क्या करता है, लिस्ट ऑफ टपल एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ टपल आपने बना दी, लिस्ट ऑफ टपल में कुछ नहीं है, आपका टोकन है और टोकन के अगेंस्ट आपकी क्या, उसकी फ्रिक्वेंसी है। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स है जो हम सिमिलैरिटी वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिकमेंडेशन इंजन जो हम काम करते हैं उसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन मशीन को इस्तेमाल करते हैं या इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जकार्ड सिमिलैरिटी और इस तरह के हमारे पास सिमिलैरिटी बहुत सारे, कॉसन सिमिलैरिटी वगैरह, तो उसके जरिए हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप ये जो फेसबुक वगैरह के एड वगैरह देख रहे होते हैं वो सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर आपको दिखा रहे होते हैं। तो उसके लिए हम फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके बाद वो फैक्टराइजेशन जो आपकी मैट्रिक्स होती है वो स्पार्स मैट्रिक्स होती है, यानी उसके अंदर जीरो ज्यादा होते हैं वन कम होते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स। डेंस मैट्रिक्स जिसमें नंबर ज्यादा होते हैं और जीरोस कम होते हैं उसे डेंस मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी, तो आप ये स्पार्स मैट्रिक्स बना रहे हैं क्योंकि भाई आपके पास कितने 512 यानी वर्ड मौजूद है यूनिक, ठीक है। तो 512 के अगेंस्ट वो वर्ड कितनी दफा आया उस कॉलम के अंदर जाके वो लिख दो। तो ये वाला काम हम स्पार्स मैट्रिक्स से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। लॉजिक समझ आए, जैसे वन हॉट इनकोड कर देते हैं, वन हॉट इनकोड के अंदर वो वर्ड जहां पे आ रहा है वहां पे सिर्फ वन लगा देते, बाकी सबको जीरो करते थे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ चेंज हो गया कि उसकी काउंट लगा देना और कुछ नहीं करना, दो चीज उसमें से निकालता है लूप के जरिए और वही स्पार्स मैट्रिक पर्टिकुलर लाइन के अंदर उसके यानी कॉलम के अंदर उसके जितने काउंट्स हैं वो जाके ऐड कर देगा, ठीक है। और उसको क्या कर रहा है, रिटर्न कर देता है, बस इतना सा काम है। ये भी समझ आ गया ना, फंक्शन कोई मुश्किल तो नहीं है स्पार्स मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। उसके इंडेक्स की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने अपना एक काउंट बना के लूप चला दिया। तो ये वही स्पार्स मैट्रिक बना रहे हैं। देखें कंसीडर करें किस तरह बना रहा होगा, लिखा हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पहले कॉलम पे, जिंदाबाद 50वें कॉलम पे और जो बाद लिखा हुआ वो लाइक 100। तो ये क्या करेगा, पाकिस्तान कितनी दफा आया वो पाकिस्तान के इंडेक्स नंबर पे वो काउंट लिख देगा, बाकी सब पे जीरो लगा रहे हैं। 50वें नंबर पे जिंदाबाद या जिंदा आ रहा है तो उसके यानी कितने काउंट्स हैं, और बाद 100 पे आ रहा है वहां पे उसके काउंट लगा देगा, बाकी तमाम पे जीरो लग गया। फिर नेक्स्ट वाली जो रो है उसके एक एक वर्ड के अगेंस्ट उसके काउंट वगैरह देखते हुए काउंट करेगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा काम है, स्पार्स मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। स्पार्स मैट्रिक्स को सेव करवाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा कौन सा फॉर्मेट था, ठीक है। तो वो स्पार्स मैट्रिक को बहुत अच्छे से सेव करता है और ये हमने डिस्कस किया था किस तरह सेव करता है कि जहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसके इंडेक्स नंबर की अपने पास वो लगता है पोजीशन और उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी बेस के ऊपर वो इतना सारा डेटा बार बार सेव नहीं कराता और शॉर्ट उसके अंदर कम मेमोरी में ज्यादा डेटा सेव हो जाता है। अब इसमें वही वाला काम हो रहा है कि भाई ये चीजें बनाएगा, प्रोटोबफ मैट्रिक्स वगैरह में राइट करवा रहा है, सेज मेकर की यानी इंस्टेंस वगैरह बना रहा है, ठीक है। फॉर्मेट है उसको क्या कर रहा है, S3 Boot3 के अंदर वो फाइल से यानी कनेक्ट होके वहां पे ये फाइल को अपलोड कर रहा है, ठीक है। अपलोड करके बाकी का काम जो भी करना है, तो ये जो आपके फैक्टराइजेशन मशीन है NTM एल्गोरिथम है, NTM एल्गोरिथम जो आपसे डेटा लेता है वो कौन सी मैट्रिक्स में लेता है दोस्तों, टपल, सॉरी क्लास मैट्रिक्स,
ठीक है, स्पार्स मैट्रिक में लेता है, तो बस ये आपको बात याद होना चाहिए। तो ये आपके पास स्पार्स मैट्रिक्स एफ और ये बीआरएस एमबी की एलईएल लाइब्रेरी है जो कि मैट्रिक्स को स्पार्स मैट्रिक को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। स्पार्स मैट्रिक को सेव करवाने के प्रोटोबफ फॉर्मेट है, हम उसमें सेव करवा देते हैं। तो यहाँ पे इसने वही काम किया है, इसने AWS S3 और इस पाथ के ऊपर जितनी भी आपके पास लिस्ट है उसकी डिटेल दे दी। तो इस पाथ के ऊपर ये फाइल आपके पास डिटेल मौजूद है, ठीक है, प्रोटोबफ की एक फाइल है। तो एक ही फाइल रखी, अब वहां 10 फाइल रखते हो, 10 फाइलों की चीजें आ जाती। तो असल में हमारे पास एक स्पार्स मैट्रिक है जिससे मैं हर टॉपिक की दूसरे टॉपिक के साथ सिमिलैरिटी देख सकता हूँ, ठीक है, यानी उससे मैं रिकमेंडेशन बना सकता हूँ कि कौन सा टॉपिक किसके साथ कितना सिमिलर है। ऐसा ही है ना, आपके यूजर की बिहेवियर भी तो इसी तरह हम नोट करते हैं। रिकमेंडेशन इंजन पे किसी ने काम किया अभी तक? जी दोस्तों, कोई है? किसी ने नहीं किया? बड़ी खतरनाक बात है भाई। आप लोग रिकमेंडेशन इंजन के ऊपर थोड़ा सा काम करें, आप लोग क्लस्टरिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करें, क्योंकि मार्केट के अंदर ये बिल्कुल छोटे छोटे काम होते हैं जो आप बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रुप बनाया हुआ, चीजों में आप यानी डिस्कस करें, टारगेट रखें कि आपको यार ये काम करना है। तो मुझे रिकमेंडेशन इंजन आप लोग ना बना के दें, कोई सा भी बना लें, मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, जरा हेलो वर्ल्ड करके देखें, क्लस्टरिंग मुझे करके दिखाएं और उसकी पूरी रिसर्च के साथ क्या आपने अगर के मीन क्लस्टरिंग इस्तेमाल किए तो क्यों करिए, दूसरे के ऐसे अच्छे वो नहीं थे। तो कोई सा भी एक डेटा सेट डिसाइड करें और उसके ऊपर आप क्लस्टरिंग रिकमेंडेशन के ऊपर काम करें। सेज मेगा ग्राउंड ट्रूथ भाई बचपन से पढ़ते हुए यार, अब आपके पास जो डेटा है ग्राउंड ट्रूथ से लेबल हुआ हुआ है। ग्राउंड ट्रूथ जो होता था मिनीफेस्ट फाइल होती थी, जैसन फॉर्मेट होता था, ये जैसन फॉर्मेट के अंदर सारा का सारा डेटा आपका लेबल हुआ हुआ आपको मिला हुआ, जॉब का नाम क्या है, आपका कौन सा टैक्स है, ठीक है, आपने उसको क्या लेबल किया, वो सारी चीजें यहाँ पे पड़ेगी। इसमें देखें बहुत आसानी से, मैं ऊपर वाला वो नहीं, ये रो डेटा था मैनिफेस्ट जैसन फाइल, आप सिंपल करें आपने जैसन फाइल को रीड कर लिया। जैसन फाइल जैसे ही आपने रीड की तो आपकी टैक्स क्लासिफिकेशन जॉब है, जॉब 0, 1, 2, 3 जितनी जॉब्स आपने बनाई थी उसकी जॉब्स चली थी। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन जॉब मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा है, और ये आपका डेटा है सोर्स जो उसके अंदर टैक्स मौजूद है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, मेटा डेटा में गए, मेटा डेटा से क्या निकाला है, सिर्फ और सिर्फ क्लास नेम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक नया कॉलम बनाया लेबल के नाम से, और ये आपके पास जो टैक्स क्लासिफिकेशन मेटा डेटा था ये कॉलम का नाम था, उस कॉलम में गए, गेट का फंक्शन जैसे मैंने इस्तेमाल किया तो मेटा डेटा से ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास का नाम निकाल के लिए आएगा। तो ये देखें आपने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन वो किया था, ठीक है, तो इसने उस डेटा को, मैंने कहा था कि वो अपने पास रखिएगा सिर्फ ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो वो डेटा जो है AWS सर्विस का, यानी तस्करा जहां भी हो रहा है, आपने एक एक को सिलेक्ट करके उस सर्विस का नाम लिखा था, ठीक है। तो उस टैक्स के अगेन कहां कहां सर्विस है तो वो यहां पे आपने लेबल किया है, ठीक है जी। तो आपके पास इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया, तो क्लासिफिकेशन तो मौजूद है, मॉडल को ट्रेन करते हैं। अब हमारे पास NLP के बिल्ट इन एल्गोरिथम है जो कि हमने ब्लाजिंग टैक्स देखा है, LDA, ठीक है, ये भी सिमिलैरिटी टॉपिक की या क्लस्टरिंग टाइप ही यानी वो कर रहा होता है, और NTM, ये भी आपकी सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मॉडलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यार इसमें किस टॉपिक से रेलेवेंट बात हो रही है। क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरह याद है तो ब्लाजिंग टैक्स जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमनली सुपरवाइज लर्निंग है जिसके अंदर लेबल वगैरह सारी चीजें होंगी, जबकि ये जो दो टॉपिक देख रहे हैं तो ये टॉपिक मॉडलिंग जो है ये आपके सुपरवाइज में आते ही नहीं आते, ये जरा भी हम थोड़ी देर बात करें, ठीक है। तो पहले हम ब्लाजिंग टैक्स की बात कर लेते हैं। ब्लाजिंग टैक्स, अभी आपका टैक्स तीन तरीकों से आपने ब्लाजिंग टैक्स को कन्वर्ट किया था, ठीक है, टोकन में सिर्फ कन्वर्ट करना होता और कुछ नहीं, आपके पास पूरा का पूरा डेटा कन्वर्ट हुआ हुआ रखा हुआ है, तीन तरीके से कन्वर्ट किया, मुख्तलिफ जगह पे आपने सेव करवा दिया। अच्छा, अब मैं उसमें से किसी भी एक डेटा को लेके अपने ब्लाजिंग टैक्स के एल्गोरिथम को दूं और वो उसको ट्रेन कर ले, सिर्फ इतना सा काम है, और टेस्टिंग वाला उसको टेस्ट कर ले, उसकी एक्यूरेसी बता दे।
आपने सेज में कर लिया, आपने सेशन बनाया, आपने S3 के साथ कनेक्ट किया, आपने जो भी अमेजोन रिव्यूज हैं उसके साथ यानी आपने प्रीफिक्स सेट कर दिया ताकि वहां से जा जाके S3 के अंदर पढ़ता जाए। आपने सबसे पहले क्या किया है भाई, सेशन अपलोड डेटा हम कर रहे हैं और ट्रेनिंग डेटा जो है पहला डेटा आपने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, ये S3 पर अपलोड हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी लोकल मशीन में था डेटा, अभी तक आपने आई थिंक S3 के ऊपर अपलोड नहीं किया था, इससे पहले अपलोड किया था हमने सेशन और अपलोड का मेथड ऊपर के इस्तेमाल किया था, नहीं नहीं सेशन तो ऊपर बनाए थे, सेशन बनाए थे बोडो 3 का सेशन बनाया था, बकेट का नहीं बनाया था ना, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आपने क्या किया भाई, आपने सेशन वगैरह बनाया और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दिया, प्रीफिक्स के साथ ट्रेनिंग डेटा जो है वो आपने सेव कर दिया, इसी तरह वैलिडेशन जो डेटा उसको भी आपने अपलोड कर दिया, और इसी तरह ये आपके पास देखो जहां जहां ये अपलोड का फंक्शन लग रहा है वहां पे आप क्या करते जा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो दो चीजें आपने अपलोड की। अपलोड करने के बाद नीचे हमारे पास ये आपका वैलिडेशन पार्ट है, ये भी आपने अपलोड ही किया है, ऐसा ही है, ओके वैलिडेशन पार्ट अपलोड हुआ है। लास्ट क्या है, S3 आउटपुट, ये क्या कर रहा है, आउटपुट का बता रहा है कि आउटपुट कहां आपने सेव करना है, ये हम बता रहे हैं ना कि आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी मॉडल कहाँ पे सेव करना है, आपकी तमाम चीजें मॉडल से रेलिवेंट कहाँ पे सेव करनी है, तो S3 आउटपुट आपने यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक फोल्डर इसने बना दिया होगा, प्रीफिक्स बकेट का नाम आ गया होगा, प्रीफिक्स आ गई होंगी, और उसके बाद ये आउटपुट का उसके अंदर फोल्डर बना होगा, ये फोल्डर जस्ट आपने बनाया, ये पाथ बनाया, अभी तक ये फोल्डर वहां पे आपने एग्जीक्यूट नहीं करवाया। अच्छा जी, ब्लाजिंग टैग्स, क्योंकि ये प्री डिफाइंड एक एल्गोरिथम है और जितने भी प्री बिल्ड एल्गोरिथम होते थे याद है हम इमेज यूरीज से ही लोड करते थे, चाहे वो बोस्टन हाउस के लिए हो, चाहे वो रिग्रेशन के लिए हो, वो सारे आपके कंटेनर बने बनाए हैं जो कि इमेज यूरी से हम लोड करते थे, जो कि अमेजोन कंटेनर रजिस्ट्री है ACR थी, वहां से हम लोड करते हैं। तो आपने इसका कंटेनर बना हुआ है पहले से, आपने उस कंटेनर को उठाना, तो आपने सबसे पहले तो रीजन का नाम उठा लिया, जो सेशन आपका बना हुआ जिस रीजन में वो रीजन का नाम आ जाए। अब कंटेनर हम बना, रिट्रीव का फंक्शन है, इमेज यूरीज पे लगता है, कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, ब्लाजिंग टैग्स है, और रीजन आपने बता दिया, जो भी आपने वेरिएबल जहां भी आपका सेशन चल रहा होगा, एस्टिमेटर है, एस्टिमेटर आपको अच्छी तरह याद है, ये मशीन आप करता है जहां पर ट्रेनिंग होती है, तो ये एस्टिमेटर हम बता रहे हैं, हमने कहा भाई एस्टिमेटर जो है कंटेनर ऊपर हमने बता दिया, ब्लाजिंग टैक्स उठाना, ये रीजन है, उसके बाद सेज मेकर जो आपके पास रूल्स एग्जीक्यूशन यानी राइट्स मौजूद है, इंस्टेंस एक इंस्टेंट उठेगा, यहाँ पे देखिए इंस्टेंस की टाइप, तो भाई पैसा लगने वाला है जरा देख के इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, अदरवाइज सिर्फ देख लें इनफ है, क्लाइंट के पैसों पर इस्तेमाल करें तो बेहतर है। उसके बाद लास्ट क्या है आपके पास, आउटपुट पाथ, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ से इनपुट लेना और कहाँ से आउटपुट है, तो ये एस्टिमेटर आपकी मशीन एक बनी, एक कंटेनर बना, उसमें ब्लाजिंग टैक्स के जो भी यानी लाइब्रेरीज थी सब इंस्टॉल की, आपके पास राइट्स थे तो वो सारा काम उसने किया, ये मशीन है, इस मशीन के पैसे ज्यादा होंगे, तो MLG4DNX लार्ज मशीन को हमने इस्तेमाल किया और उसको जो भी कनेक्टिविटी वगैरह वो सारे हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिए। अभी तक आपने एस्टिमेटर की टाइप बताइए, ये सेट नहीं हुआ, अभी ये मशीन चली नहीं, आपने बताया ये चीजें होना चाहिए, ऐसी मशीन होना चाहिए, ठीक है भाई, तो मशीन जो है वो BT के अंदर है, जैसे मैं BT वगैरह आगे इसको अप करूंगा तो वो चलेगा, तो अभी हमने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की। Yes, sir. अच्छा फिर हाइपर पैरामीटर, ये एल्गोरिथम ब्लाजिंग टैग्स जो है ना, जैसे आप न्यूरल नेटवर्क सेट करते हैं, इतनी लेयर हो, इतनी आउटपुट लेयर हो, इसमें या आपका एक्टिवेशन फंक्शन हो, वो आपके हाइपर पैरामीटर है, तो यहाँ भी आपने अपने हाइपर पैरामीटर सेट कर दिए, और मॉड आपने क्या सेट कर दिया ब्लाजिंग टैग्स में, सुपरवाइज, ठीक है, वो पैरामीटर आपसे मांगता आपने यहाँ पे दे दिया। और आगे हम चलते हैं भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ट्रेनिंग इनपुट लिया, ठीक है, ट्रेनिंग इनपुट ये आपका मेथड है, इंस्टेंस आप बना रहे हैं, ट्रेनिंग का पाथ यहाँ पे पास कर रहे हैं, ट्रेनिंग कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन रेप्लिकेटेड, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिंग भी इस्तेमाल करते हैं हर उसके अंदर रेप्लिकेट डेटा पूरा का पूरा होता है, इसको हम पढ़ेंगे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, अभी तक हमने पढ़ी नहीं है ना डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, सिर्फ बताया ना पाइस वगैरह हमारा पार्ट भी नहीं है, वैसे इन फ्यूचर शायद हम लोग अपने यानी इस कोर्स के अंदर पाइस पार्क वगैरह भी मैसेज से बात करके
थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा ताकि बिग डेटा वगैरह पे भी हम लोग काम कर सके। तो आप लोग वॉलंटियर इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट जो बैचेस होंगे Q4 वगैरह आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लर्निंग पर्पस के लिए, अपने स्किल्स को सफ करने के लिए। टैक्स वगैरह कंटेक्स हमारे पास जो है कंटेंट टाइप आपका प्लान टैक्स है, आपका एस डेटा टाइप जो है वो S3 प्रीफिक्स या डेटा टाइप जो भी है हमने बता दिया, वैलिडेशन के लिए बता दिया, और आपके पास आखिरी में होता है ये चैनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जैसे ही BT.fit करता हूँ तो जितनी मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन ऊपर बताई थी ना कि ये मशीन हो, इसका ये टाइप होगी, ये इनपुट पाथ होगा, ये आउटपुट पाथ होगा, ये आपके इनपुट की यानी ट्रेनिंग का डेटा है, ये वैलिडेशन का डेटा है, ठीक है, हमारे पास दो चैनल है, ट्रेनिंग के लिए ये है, वैलिडेशन के लिए ये है। जैसे ही मैं फिट करूंगा ऊपर वाली ये सारी जो आपने बातें बताई थी थ्योरेटिकल कॉन्फ़िगरेशन, वैसे ही वो आपके कंटेनर वगैरह उसको जाके फिजिकल इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे मैं चलाऊंगा आपका MLG3 की एक मशीन खरीदेगा, ठीक है, उसके अंदर ब्लाजिंग टैक्स को इंस्टॉल करेगा, आपके पास जो राइट्स हैं उसके तहत डाउनलोड यानी वो इंस्टॉलेशन होगी, जब इंस्टॉलेशन होगी सुपरवाइज मोड उसके अंदर पास करेगा ब्लाजिंग टैक्स के अंदर, फिर ट्रेनिंग और वैलिडेशन का जो डेटा सेट है वो उठाएगा उसके अंदर ट्रेन करेगा, उसके अंदर जो भी आपने यानी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह या मेजर ऑफ सक्सेस लगाई हुई वो चलाएगा और उसके बाद आपको एक्यूरेसी बता देगा। तो ये आपके पास आपके जो एक्यूरेसी आई है ट्रेनिंग की वो कितनी आई है दोस्तों, वैलिडेशन की एक्यूरेसी आई है नॉट बैड, अच्छी है, काफी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे ही डिप्लॉय वाला तो याद है ना, ये मशीन चली हुई उसके बाद आपका वो काम खत्म हो गया, आपका जो आउटपुट है वो S3 के आउटपुट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, यानी आपका जो मॉडल है अब आप वहां से मैनिफेस्ट वाली जो फाइल है मैनिफेस्ट से आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मशीन ने ट्रेन करने के बाद ये मशीन बंद हो गई, खत्म इसका काम, जितनी देर चली थी उतने पैसे आपसे लिए। उसके बाद आपकी ये जो मैनिफेस्ट की फाइल है आप उसको कहते हैं डिप्लॉय कर दो, ये पहली मशीन थी ऊपर वाली MLG4 ट्रेनिंग के लिए, लास्ट डेटा के ऊपर ट्रेनिंग किया था 1.8 मिलियन या जो भी आपके 1 मिलियन थी उस पर ट्रेनिंग हुई। नीचे वाला जो है ये क्या कर रहा है, डिप्लॉय वाला क्या करता है बताएं, तो मेरे पास अब BT प्रेडिक्टर है, ठीक है, इसका इंस्टेंट ये मशीन चलती रहेगी जब तक आप इसको डिलीट नहीं करेंगे ना भाई, पैसे लगते रहेंगे। तो यहाँ पे जो आपने इसको डिप्लॉय कर दिया ना, अब ये जब तक चलता रहेगा जब तक पैसे बनते रहेंगे, ये डिप्लॉय हुआ अब ये मशीन चल ली, ठीक है, जब तक आप बंद नहीं करेंगे बंद नहीं हो। आप देखिए हमारे पास ये डेटा है, देखिए सेंटेंस, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस, तीन सेंटेंस मैंने लिस्ट के अंदर पास की। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद जैसन हमने बनाई पेलोड, यानी पेलोड आपने इंस्टेंस का वेरिएबल है, इंस्टेंस के अंदर सारी चीजें चली गई। कॉन्फिग्रेशन के अंदर आपके तीन यानी K की वैल्यू आप पास कर रहे हैं, तीन टॉपिक में से बताओ किस टॉपिक से ये मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट टाइप जैसन है, वहां पे प्लेन टेक्स्ट लिखा था, अब जैसन की सूरत में जा रहा है, फिर वो उसके मुताबिक खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर लेता है। हमने दो चीजें देखी थी ना कि किस तरह डेटा को लेके जाता है, वापसी किस तरह, पार्सिंग कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसके बाद आपने ये जैसन डेटा जो है पेलोड वाला जो है इसमें पास किया, जैसे ही पास किया तो हर उसके अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी दे देगा कि किस टॉपिक से कितना मिलती है, देख रहे हैं, तीन हमने उसके टॉपिक माना, टॉप थ्री मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टॉप थ्री में सबसे ज्यादा कौन से वाले इंडेक्स की वैल्यू से मिल रहा है भाई, जी 0.2 नेगेटिव, इसके लेबल में हम देखें तो तीन लेबल हैं, तो कौन सा वाला लेबल होगा, फर्स्ट वन जो है ना 97% लेबल नेगेटिव, ठीक है, तीन हमारे पास है, न्यूट्रल है या जो भी हमारे पास था, तो ये आपको बता रहा है कि भाई ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसके ऊपर ट्रेंड करके आपको ये बता रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी किससे मैच हो, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी दे रहा है, सबको सम करेंगे 1 के इक्वल होती है, वो सारी बातें आपको पता है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव की है। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट की जरा मुझे बताए प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी भी नेगेटिव है, तीसरे वाले की न्यूट्रल है,
सेकंड के न्यूट्रल चाहिए, सेकंड पे न्यूट्रल है और तीसरे भी पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो बस इसको आप लोग आपके पास ये चीज नेगेटिव आ रही है दूसरे। ठीक है, तो सही आपको सारी बातें पता चल गई। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट डिलीट करना है। ये काम नहीं करेंगे तो आपके फ्री ट्रायल्स भी खत्म हो जाएंगे, कितना फ्री में इस्तेमाल करेंगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं कंप्यूटर वर्ड वेक्टर विद ब्लास्ट इंडेक्स। वर्ड वेक्टर आपके वही यानी सिमिलर जो वर्ड वगैरह की यानी सिमिलैरिटी है, कितना वो उसके नियरेस्ट है। स्किप ग्राम हमारे पास यानी इस्तेमाल हो रहा है, कंटिन्यूस बैक ऑफ वर्ड, ठीक है। बेज का हमें पता है, सब वर्ड एम्बेडिंग ये क्या कहता है इसको जरा हम देख लेते हैं भाई। अच्छा जी, यहां से आपने ये आपकी रेपो बनी हुई है, इसको आपने ब्लाजिंग टैक्स जो है उसको आपने क्या कर लिया, क्लोन कर लिया। आप उसके यानी जो रेपो का फोल्डर है उसमें चले गए, ठीक है। और मैक की कमांड चलाते हैं, मैक की कमांड क्या करता है, फर्स्ट ट्राई टू क्लासिफिकेशन मॉडल। आई थिंक ये मॉडल ट्रेन हुआ हुआ लग रहा है मुझे, तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। उसके बाद क्या करें, यूजिंग ब्लाजिंग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉडल विद फास्ट टेक्स, ठीक है जी भाई। फास्ट टेक्स के साथ हम इसको इस्तेमाल करने वाले, मॉडल हमने बनाया हुआ है, ठीक है। यूजिंग ब्लाजिंग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉडल विद फास्ट टेक्स, तो फास्ट टेक्स इन दोनों की कॉम्बिनेशन के हम साथ काम कर रहे हैं। ब्लाजिंग टेक्स्ट और फास्ट टेक्स, ये दो आपके पास एल्गोरिथम है। ब्लाजिंग टेक्स्ट का हमने क्लासिफिकेशन मॉडल जो ट्रेन किया हुआ है या जो भी इसका यानी ट्रेन मॉडल होगा, और फास्ट टेक्स्ट ये भी आपके पास एल्गोरिथम है, क्या कर रहा है लेट्स सी। फास्ट टेक्स्ट के बारे में बताया इसने, ठीक है। तो फास्ट टैक्स को भी थोड़ा सा भी हम दोबारा से इसको देख लेंगे क्या है। तो सिंपल टैक्स ये कह रहा है कि भाई सिंपल टैक्स, और इसको हम क्लासिफाई करवाना चाह रहे हैं, ये समझे। यानी आपके पास टेस्टिंग के लिए आपने एक नया डेटा निकाल लिया, उसको आप बोले फास्ट टैक्स जरा मुझे क्लासिफाई करके बता दो, देखते हैं ये करता क्या है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वी विल ट्राई द मॉडल यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। उसके बाद हम आर्टिफैक्ट जो फाइल है उनको क्या कर रहे हैं, S3 से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आर्टिफैक्ट फाइल वगैरह याद है ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सही याद है, ठीक है। तो आपने S3 LS और ये आपके पास यानी जो भी आपके पास गेट्स हैं वहां पे जाके आपने उसकी पूरी पूरी लिस्ट देख ली। तो उसके अंदर क्या क्या फाइलें पड़ी हुई है, इसके अंदर टार पड़ी हुई है, इसके अंदर XVG पड़ी हुई है, model.targets पड़ी हुई है, तो उन फाइलों के नाम दे दिए। ओके जी, हमें पता चल गया मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है, वो लोकेशन हमने यहाँ पे देख ली, उस लोकेशन में कितनी फाइलें वो देख ली, तो हमारा मॉडल जो है वो इसमें पड़ा हुआ है, ये रहा model.tar.gs। उसके बाद क्या कर रहे हैं भाई, उसके बाद हम कहते हैं फास्ट टैक्स प्रेडिक्ट, और ये जो मॉडल है माइनस का साइन यहाँ पे पास किया है, तो इसने क्या किया है आपको उस टैक्स को डायरेक्टली हम ना प्रेडिक्ट करवा रहे हैं। ओके भाई, आसान कर दिया इसने। तो इसने क्या किया, जो फास्ट टैक्स था ना सिंपल, उसने यहाँ पे पास किया खुद ब खुद, और हर टैक्स के अगेंस्ट आप देख रहे हैं कुछ जी दोस्तों। सही, पिछले वाले की समझ नहीं आई, आपने पिछली कमांड है उसकी समझ नहीं आई सर, ये फास्ट टैक्स प्रेडिक्ट मॉडल डॉट बिन माइनस। फास्ट टैक्स ना जब हमने उसको इंस्टॉल किया ना, ऊपर वाली कमांड चलाई, इसने फास्ट टैक्स यानी एक टैक्स यानी एक सिस्टम फंक्शन बनाया हुआ, कंसीडर इसको आसानी से ये कर लें, उसके अंदर कुछ ना कुछ टैक्स लिखा हुआ, बहुत सिंपल टैक्स है, छोटा सा टैक्स है टेस्टिंग के लिए। तो ठीक है, weighted average for each movie average rating. आवाज किसी और चीज की आ रही है, आसिफ ना इतनी वीडियो चलाई हुई है, एक मिनट में म्यूट। तो फिर मैं आपको को होस्ट बना रहा हूं, तो बल्कि आप को होस्ट हैं तो काइंडली देख लीजिएगा जहां भी आपको। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, फिर हम बात कर रहे हैं फास्ट टैक्स, भाई सिंपल सा टैक्स है, ठीक है। आप टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने जो मॉडल ट्रेन किया हुआ है ना, उस मॉडल को मैं लोड करके उसके ऊपर मैं चेक करना चाह रहा हूँ। ये मैं जो बार बार कहता था मिनिफेस्ट फाइल के मॉडल ट्रेन हुआ हुआ, आप उसको उठा के कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही वाला काम करने वाला है। तो आपने क्या किया, फास्ट टैक्स या टैक्स लिखा हुआ है, आपने उसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपने उसको मैक किया, तो वो समझे उसकी सारी जो फाइल है वो आपकी अनजिप वगैरह होके सारे फंक्शन वगैरह लोड हो गए, ये कंसिडर कर लें। उसके बाद आपने क्या किया, आपके पास एक पाथ था, उस पाथ में आपने देखा यार उसमें क्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर ये तीन चीजें पड़ी हुई, तो हमने देखा ये मॉडल डॉट टार जो ये बड़ा हमारे काम का था भाई, इसके अंदर मॉडल होता है।
अच्छा फास्ट टैग जो है उसके अंदर फंक्शन लिखा हुआ, मैंने कहा फास्ट टैग प्रिडिक्शन यानी प्रिडिक्ट करना है, और प्रिडिक्ट करने के लिए आपने ये जो फाइल यहाँ से लिस्ट दी हुई है उसके अंदर मॉडल डॉट बिन होता है और उसके अंदर हमारा जो टैक्स है ना सारा पास कर देना, ठीक है। तो जो भी उसका टैक्स था उसने पास कर दिया, तो ये लिखा दिस इज अ बैड कैमरा, इट डजंट वर्क एट ऑल, आई वॉन्ट अ रिफंड, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई ये क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह ये न्यूट्रल आपके पास है, और ये आई एम वेरी हैप्पी है, जो भी आपके पास वेरी हैप्पी टू हैव अबाउट दिस और ये फला फला, तो ये पॉजिटिव। तो फास्ट टैग सिंपल सर, यस सर। अच्छा और आगे चलते हैं भाई, S3 सेज मेकर, ये भी हमारे पास एक बात है, ठीक है, जो भी आपकी जॉब्स की मुख्तलिफ जॉब्स की। अच्छा अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फास्ट NN वेक्टर बिन, और ये आपके पास आपने एक क्यूरी लिखी टेलीफोनिक, और टेलीफोनिक जो भी आपके पास है वो किससे कितना मैच हो रहा है, कौन से वर्ड से, वो चीज हमें बता रहे हैं। अच्छा जी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यूजिंग ब्लाजिंग टेक्स्ट वर्ड वैक्टर विद द फास्ट टैक्स, ठीक है, वी विल नाउ यूज द फास्ट टैक्स विद द वैक्टर एज फॉलो। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मॉडल को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है भाई, आर्टिफैक्ट फाइल हमने यहाँ पे कॉपी कर, मॉडल हमारे पास आ गया। फिर क्या कर रहे हैं, वी कैन एक्सप्लोर वर्ड सिमिलैरिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सिमिलैरिटी। आपने कोई वर्ड देखा और आप देख रहे हो यार ये वर्ड किससे सिमिलर हो रहा है, जो भी आपके पास टैक्स में मौजूद है, अक्सर आप गूगल से सर्च जो करते हैं वो भी सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर होता है, ठीक है। फिर क्या, फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक फॉर वर्ड डेट आर क्लोजेस्ट टू टेलीफोटो, टेलीफोटो मैंने एक वर्ड लिखा, हमें कह रहे हैं यार इस वर्ड से मिलते जुलते यानी जो भी यानी हमारे पास स्टैक्स में चीजें मौजूद हैं इस मॉडल के अंदर, जरूर वो मुझे सर्च करके दो, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने लिखा टेलीफोटो, तो टेलीफोटो 95% इससे यानी मैच होता है, और टेलीफोटो के साथ अक्सर यानी लेंस की जो रेंज आई थिंक ये वो बता रहे, देखें MM के साथ जो भी यानी वैल्यू शो होती है, तो ये यानी इससे इतनी सिमिलैरिटी होता है कि टेलीफोटो या ये मैं इसकी मेजरमेंट करता हूं, तो ये वर्ड इससे इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, फास्ट एनालॉजिस वेक्टर बीन, वी कैन आल्सो लुक द एनालॉजिस, एनालॉजिस को हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स आस्क आवर मॉडल फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ओके व्हाट द कैनन इक्विवेलेंट फॉर द निकॉन D3 कैमरा, इसके इक्वल कैमरे को ही निकाल के ला, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन इससे किया, जैसे ही आप क्वेश्चन करते हैं तो ये खुद ब खुद आपके जो दूसरे वैल्यूएंट कैमराज है वो निकाल के ला रहा है। तो सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर जो आपका मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है उससे वो चीजें फाइंड करके आपको बताता है सिमिलैरिटी फाइंड कर। जी जी सर, ये कमांड टर्मिनल पे रन करेंगे, ये लोकल पे कर रहा है लोकल पे कर रहा है ना ये सारे के सारे काम। आपका मॉडल ट्रेन हुआ हुआ था, यहाँ से इसने वाला काम स्टार्ट किया फास्ट टैक्स। आर्टिफैक्ट फाइल यूज किए ना हमने? जी बिल्कुल, इसीलिए फास्ट टैक्स को डाउनलोड किया है, क्लोन किया उसकी रेपो को, मैक किया, तो उसके अंदर जो भी यानी आपने बिल्ड की यानी चीजें कमांड थी वो सारी की सारी कमांड चल गई, सारी चीजें इंस्टॉल होनी थी, इंपोर्ट होनी थी, वो सब काम हो गया, वो सारी चीजें आपकी अब उस फाइल के अंदर जुपिटर के अंदर लोड हो गई जैसे मैक की कमांड चलाता हूँ। फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर दोबारा आपका जो मॉडल है जिस मॉडल पे आप काम कर रहे हैं, अब ये आपका यानी रिव्यूज वाला कोई मॉडल था, ऊपर वाला अलग मॉडल था, नीचे वाला अलग मॉडल है, उस मॉडल के ऊपर आपने क्या प्रेडिक्ट ये कर दिया, एक और मॉडल का इन्होंने यानी पाथ दिया दूसरे मॉडल को फास्ट टैक्स के साथ, सिमिलैरिटी जो फाइंड करते हैं उस मॉडल को भी हमने लॉट किया, ठीक है। लॉट करने के बाद उसके ऊपर हम देख रहे हैं, तो ऊपर वाला हमारे पास अलग मॉडल था, नीचे वाला अलग मॉडल, ऐसा ही, ठीक है। ये तो अभी मैंने वर्ड वेक्टर वाला जो है ना वो मॉडल को क्या किया है, लोड किया है। ऊपर वाला जो था वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो था मॉडल वाला हमने लोड किया था, तो ये दोनों मॉडल अलग अलग लोड किए हैं। और यहाँ पे आपने टेलीफोन की सिमिलरिटी देख के बताता है कि कौन सा वर्ड किससे ज्यादा सिमिलर होता है, इसमें आप मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। निकॉन D3 कैनन, तो ये निकॉन D3 कैनन कौन कौन से कैमरे से यानी इसके सिमिलर वर्ड हो सकते हैं, तो उसने उसका मॉडल उठा के लिया है, तो इस तरह के ये काम कर, ठीक है। तो ये दो अलग अलग मॉडल हैं, ये याद रहे, देख लें, दो अलग अलग मॉडल डॉट आर जॉब 012 एक ही मॉडल है, एक ही है, 1 1 2 3 4 6।
ठीक है, तो वो सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर ना मॉडल की कॉम्बिनेशन और वर्ड टू वेक्टर जो है उनके साथ कंबाइन करके या आपको क्यूरी आप करते हैं, एन वेक्टर बिन आपने पास किया, आपसे वो पूछेगा क्या क्यूरी है, आगे पूछेगा किस वर्ड की सिमिलैरिटी फाइंड कर, कंसोल के ऊपर चलिए ये कमांड, ठीक है दोस्तों, कंसोल पे चलाएंगे आप ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, अपने लोकेशन पे भी चला सकते हैं या आप सेज मेकर स्टूडियो पे जाके भी चला सकते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं करवा, सिमिलैरिटी फाइंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलैरिटी हर वर्ड के अगेंस्ट फाइंड करके बता देता है। उसके बाद क्या है, मॉडलिंग टॉपिक वर्ड एलडी, तो एलडी ये टॉपिक मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होगा और ये आपका सुपरवाइजर अनसुपरवाइजर कहीं लिखा हुआ है? यस सर, अनसुपरवाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग का ये है टॉपिक है और इसके अंदर हम मल्टीपल, अब देखिए एक चीज आप लिखते हैं वो कितनी चीजों से, मैं अगर बात करता हूँ इमरान खान, एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, अब आप अगर मैं इमरान खान का नाम लेता हूँ तो आपके जहन में कौन कौन से यानी इसके टॉपिक हो सकते हैं? जी दोस्तों, सर एक तो जर्नलिस्ट हो सकते हैं जो इमरान खान की साइड लेते हैं, और एक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन। अच्छा, इसका पहला टॉपिक पॉलिटिक्स हो सकता है जो कि करंट यानी आप हॉस्पिटल बनाने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, मेडिकल हेल्थ डिपेंड हो सकता है, उस पे भी उन्होंने काम किया है। अच्छा, फिर उसके बाद यानी ये दूसरा तीसरा टॉपिक हो सकता है लाइक वो क्रिकेट से रिलेवेंट हो, स्पोर्ट्स से रिलेवेंट भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या न्यूट्रल से क्या मतलब सर, कि वो किसी के बारे किसी से रिलेट नहीं करता, जो पॉलिटिक्स में आजकल चल रहा है ना कि फौज को न्यूट्रल्स कहा जा रहा है, तो ये भी हो सकता है, फौज को क्या कहा जा रहा है, न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल। अच्छा चलो सही है, वो तो बहुत सारी आप बातें निकाल सकते हैं, मुस्तफा जाएंगे एजुकेशन में काम, एजुकेशन में भी काम हो सकता है, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें हम सबकी बोलेंगे, खाना में हो सकता है, शौकत खाना भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया, ओके डन हो गया, ठीक है डन हो गया, तो हमें पता चल गया कि यार मैं एक टॉपिक लेता हूँ, वो हमारे पास जो ओवरऑल कॉर्पस है तो वो किन किन टॉपिक से रिलेट कर सकता है जो एग्जिस्टिंग डेटा है, तो ये एलडीए जो है ये भी उसी तरह का काम हमें करके देगा कि मल्टीपल टॉपिक, आप कोई भी चीज लिखते हैं एक दो वर्ड या पूरी एक हेडिंग, वो कितने टॉपिक से रिलेवेंट है तो मशीन वो फाइंड करके पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इन प्रीवियस सेक्शन वी प्रिपेयर मिलियंस न्यूज हेडिंग जो पर हमने करी थी, ठीक है, अब उसको हम इस्तेमाल करें, याद है मिलियंस हेडिंग जो होती है टपल में हमने सेव करवाए थे, लिस्ट ऑफ टपल जिसमें टोकन था, वाला डेटा, जी बिल्कुल, तो वाला डेटा हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोड कर रहे हैं S3 से डेटा, तो भाई लोड करना बहुत ही आसान है, आपने सेशन बनाया S3 का बकेट का सेशन बनाया, आपने कहा ये प्रीफिक्स क्योंकि वहां पे लिखी थी, हमारे पास जो डेटा की टाइप थी वो क्या थी, रिव्यूज प्रोटो बफ जो था वो आपके पास फॉर्मेट था, उसके बाद आपने ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लोड कर लिया पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी तरह आउटपुट जो है वो आउटपुट आपने यहाँ से यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर S3 से लोड कर लिया। अच्छा, अब आपका समझिए डेटा का पाथ आया, अभी तक डेटा हमने उठाया नहीं, ये याद रखिएगा, अभी तो हमने सिर्फ उसके वेरिएबल के नाम सेट किए, यहां से काम स्टार्ट हो रहा है, आपने कंटेनर उठाने, ठीक है, सेशन ये रिट्रीव हो रहा है, अब आपने जो एल्गोरिथम उठाया है प्री बिल्ड एल्गोरिथम उठाया, उसका नाम क्या, LD, रीजन ऊपर आपने निकाल ली उसी तरह, उसके बाद अब ट्रेनिंग की मशीन चाहिए होती है भाई हमें, तो हमने जो LDA है उसकी एस्टिमेटर एक मशीन बताई जो आपके पास राइट्स है, कितने उसके आपको इंस्टेंस चलाने, मशीन कौन सी होगी और आउटपुट कहाँ पे सेव होगा, ये आपने बता दी। इसकी भी अभी आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हो, ये जब तक अपनी होगी जब तक आप कौन सा फंक्शन ना लगा दें, ऊपर भी लगाया था, क्या पूछा, ये सारी हमने कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है कि याली मशीन होगी, ये आपके पास राइट्स होंगे, ये बकेट्स होंगे, सबसे पहले हमने किया उसमें आउटपुट क्या क्यों बता रहे हैं, मतलब आउटपुट क्या, मतलब उसका पाथ क्या है, आउटपुट, जी जी मैं बता देता हूँ, आउटपुट पाथ का मतलब ये है जब ट्रेनिंग हो जाए और आर्टिफैक्ट की फाइल्स बनती है,
जो इन फ्यूचर हम इस्तेमाल करते हैं, मॉडल डॉट रोड फास्ट टैक्स के साथ इस्तेमाल की थी, देखी थी, तो वो ये तो मशीन चलेगी, ट्रेन होगी, ट्रेन होने के बाद अपने पास ही मॉडल को रखती। तो मैं कह रहा हूँ यार वो जो मॉडल है इतना सारा काम किया है, ट्रेन होने के बाद 50 घंटे आपके जो पैसे उस पर लगे थे उसका जो रिजल्ट है वो एक आउटपुट बकेट के अंदर रख दो, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे पूरी ट्रेनिंग नहीं चलाना पड़े, वो चंद एमबी की फाइल को लोड करूं, मॉडल को लोड करूं, वहां से काम करवा दूं। क्लियर है? तो आउटपुट पाथ आपका वो है जहां पे ट्रेनिंग होने के बाद मॉडल सेफ होगा, आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, ओके। अच्छा अब हम क्या कहते हैं, वी सेट हाइपर पैरामीटर। अब वो हाइपर पैरामीटर भाई हर मॉडल के अलग अलग हैं, एलटीए के अलग हैं, इसी तरह न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलग होंगे, तो हर उसके आपके अलग हाइपर पैरामीटर हैं। तो हाइपर पैरामीटर में क्या है, हाउ मेनी टॉपिक वी वांट टू बिल्ड, हमने कितने टॉपिक करने बिल्ड, हमने कहा भाई 10 करने। हाउ मेनी डायमेंशन द प्रॉब्लम हैज, तो कितनी विकैबुलरी साइज है, वो विकैबुलरी साइज यानी आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने। And how many samples? Total हमारे पास sample कितने हैं? 1 million है, 2 million है। फिर उसके बाद क्या है? We can set parameter name alpha zero. ये alpha zero क्या है? According to the documentation, small value are more likely to generate sparse topic क्या है? Mixtures. Okay. तो ये यानी like ये आप कह लें कि एक alpha value है जो कि हम इसको यानी जोर देते हैं कि यार ये जो है ये आपकी रैंडमली ना जनरेट करें, लाइकली जो एक दूसरे के करीब तरीन वर्ड्स होते हैं इस तरह की चीजें, वो क्या करें, स्मॉल वैल्यू आर मोर लाइकली टू जनरेट स्पार्स टॉपिक, टॉपिक स्पार्स टॉपिक जनरेट करेंगे मिक्सचर, एंड लार्ज वैल्यू उसकी जो ग्रेटर देन होगी वो 1 होगी, और इसी तरह यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, ये कुछ यानी एक पैरामीटर है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स यानी एल्गोरिथम्स के अंदर। किसी चीज को हम याद है आपके पास, हमारे पास यानी सिग्मॉइड फंक्शन है, तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है जितनी भी बड़ी वैल्यू आए उसको छोटी कर दे। yes, तो आपने एक अल्फा की वैल्यू सेट कर दी ना कि यार जो भी वैल्यू आएगी आप उसको इस रेंज में कन्वर्ट करो, तो इसी तरह जो आपकी स्पार्स मैट्रिक्स जनरेट हो रही है उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि यार इस रेंज में ही जनरेट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है, जिसे नॉर्मलाइजेशन वाला काम होता है। अच्छा, लेट्स सेट टू 0.1 एंड होप दैट एल्गोरिथम can indeed build well identified topic. तो ये इन्होंने एक सेट कर दिया, ठीक है जी, ओके। हमने कहा 5 टॉपिक होंगे, नंबर ऑफ टॉपिक ऊपर इसने 10 कहे था, हमने 5 टॉपिक सेट कर दिए। डिक्शनरी की लेंथ, जो हमारे पास टोटल डिक्शनरी ऊपर हमने बनाई थी याद है विकैबुलरी इंग्लिश की, तो वो जो विकैबुलरी है 512 समथिंग, तो वो आपके पास विकैबुलरी बेज आपको पता है, बेज साइज एक वक्त में कितनी लाइन उठ के जाएंगी, अल्फा की वैल्यू आपने पास कर दी जो कि रिस्ट्रिक्ट करेगा। यहां पे आपने फिट लगाया, क्या हुआ जी, जैसे फिट लगाऊंगा क्या, ठीक है, वो ट्रेन होगा और उसके बाद जी बिल्कुल ट्रेनिंग हो जाएगी, उसकी सिमिलैरिटी वगैरह सब चीजें जो भी थी वो उसने लर्न कर ली। ओके, जब उसने वो तमाम चीजें सिमिलैरिटी उसके काउंट्स वगैरह उसने लर्न कर ली, अब हम मॉडल को डिप्लॉय करते हैं, ये डिप्लॉयमेंट की यानी मशीन है। अब यहाँ पे जाके अब आप क्या क्या काम कर सकते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बनाई हैं। नया जो टॉपिक आएगा भाई हर दफा, तो उस टॉपिक को भी तो स्पार्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसमें हम पास करेंगे और उसके जरिए जो उसकी प्रेडिक्शंस होंगी वो रिटर्न करेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं आपके पास एक टॉपिक आया, कितना टॉपिक है, एक दो तीन टॉपिक है आई थिंक, ये भी कमोवेश, ठीक है। तो देखें पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं टॉपिक आपने लिस्ट की सूरत में पास किए सैंपल्स, प्रेडिक्शन करवाएंगे अब कि ये जो टॉपिक्स मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, वर्ड लिखे हैं, क्योंकि वहां पे आपकी हेडिंग्स थी ना, वो हेडिंग्स की बेस के ऊपर यानी वो देखता था किस से रेलिवेंट टॉपिक है, तो ये आप उन हेडिंग्स से मैच करने की कोशिश करेंगे। तो एलडीए प्रेडिक्टर कंटेंट टाइप है, यहाँ पे हम कंटेंट टाइप जो दे रहे हैं वो डिक्शनरी की सूरत में है, डिक्शनरी की सूरत में लिस्ट की सूरत में जा रहा है, और डिक्शनरी जो है उसके अंदर से गुजरती है, सैंपल में बन जाता है और रिस्पांस जो आता है यहाँ पे वो रिस्पांस कर देता है। यहाँ पे आप कुछ देखें, स्पार्स जो मैट्रिक्स बना रहा था उसने कहा था भाई जो स्पार्स टॉपिक है उस आपके पास 10 टॉपिक थे ना, 10 टॉपिक में से किस टॉपिक से कितना सिमिलर हो रहा है, तो हमने 5 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया था क्योंकि हमारे पास 10 टॉपिक हैं, 10 में से 5 एक दो तीन चार पांच टॉपिक से आपको वैल्यू शुरू की दे रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे क्या सवाल है दोस्तों,
आपके पास याद है सॉफ्ट मैक्स हमारे पास एक फंक्शन होता है, क्या करता है सॉफ्ट मैक्स? जीरो से 1 तक के दरमियान वाले आते हैं। नहीं नहीं दोबारा बताएं, आपने जो लास्ट ईयर के ऊपर फंक्शन बताते हैं सॉफ्ट मैक्स सर, वो कैटेगराइज कर लेते हैं, वो जो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है आपको प्रोबेबिलिटी बताता है और उन सबको प्लस कर लो तो उनका आंसर क्या होगा, ऐसे तो वही वाला कॉन्सेप्ट कि किस टॉपिक से कितना सिमिलर है। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि इसने तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी है और हमें उसका टॉपिक चाहिए, तो भाई टॉपिक लाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, जब जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो वो टॉपिक होगा, लाइक 0.54 इंडेक्स नंबर क्या है 3 या 2, इसके ऊपर जो भी टॉपिक है वो उठा के लिया, तो हमारे पास आर्ग मैक्स का एक फंक्शन होता है, वो भी याद है ना आर्ग मैक्स? ये इसकी हमें पता ही नहीं कि आर्ग मैक्स का क्या मकसद है, कुछ नहीं कहता आर्ग मैक्स, पता क्या करता है, मैं नन पाएगा ये एरर देता ना अगर ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, आर्ग मैक्स मुझे वो इंडेक्स बताता है जिसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन से इंडेक्स पे? 3 पे नहीं 2 पे, 2 पे है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसे था आर्ग मिन होता तो वो क्या करता है, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, तो यस सर, तो आर्ग मैक्स ने हमें सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे बता देनी, तो अब बस अब तो कोई मसला ही नहीं बचा, इन्होंने देखें प्रेडिक्शन यहाँ पे नीचे करवाई कि कौन से वाला किस टॉपिक से बिलोंग कर रहा है, उसका मैक्सिमम वाला जो वो है ना, तो उन्होंने उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट करवा दिया, जब इंडेक्स नंबर प्रिंट हो गया तो आपको पता है कि कौन से इंडेक्स पे क्या चीज है। अच्छा जी, बस ये एनटीएम वाला इसी तरह काम कर रहा है, जैसे हमने ऊपर सर जैसे हमने ऊपर टेक्स्ट को सॉरी इंटीजर को वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, इसमें नहीं हम वापस टॉपिक में कन्वर्ट कर सकते, या टॉपिक तो होंगे नहीं हमें जी, तो यहाँ पे आपका जो भी टॉपिक है ना, ठीक है, उस टॉपिक को उसकी यानी जो वैल्यू वी के अंदर आपके पास मौजूद है उसकी वैल्यू के साथ आप निकाल सकते हैं। यहाँ तो इसने प्रोबेबिलिटी निकाली, टॉपिक 2 है, टॉपिक 0 है, टॉपिक 1, तो वहां भी टॉपिक 1, 2, 3 ही लिखा हुआ था, ठीक है, तो अब आप देखेंगे इन्होंने शायद नीचे डिफाइन किया है टॉपिक 1, 2, 3 है क्या है, कहीं तो किया मुझे याद आ रहा है ये, एक में ये आ गए टॉपिक, ठीक है, आगे जाके इन्होंने टॉपिक इंडेक्स जो है ना वो यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दी, तो अब सर टॉपिक के लिए जो है वो हम खुद देते कौन देते मतलब उनके पास पहले ही होती है क्या, या वो खुद बनाता है मॉडल? अच्छा अब बहुत सारी चीजें हैं, जब आप सिमिलैरिटी फाइंड कर लेते हैं ना, आपने कहा इतने उसके ऊपर ग्रुप कर दो, तो आप ये देख सकते हैं कि यार कौन सी चीज में कितने किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, या अदरवाइज आप यानी हार्ड कोडेड यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि यार ये जो आपके पास याद है रिटर्न न्यूज था, रिटर्न न्यूज के अंदर कितनी थी, 46 क्लास थी, ऐसा ही है ना, रिटर्न न्यूज वाले डेटा सेट के ऊपर आप लोगों ने काम किया हुआ है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन चैप्टर 4 लास्ट क्वार्टर के अंदर, ठीक है, तो वहां पे भी रिटर्न न्यूज में 46 क्लास होती थी, इसी तरह यहाँ पे इन्होंने 46 क्लास की जगह कितनी क्लासे कर दी, क्राइम से वैल्यूमिंग है, लीगल से, डिजास्टर, स्पोर्ट, अननोन वन, इंटरनेशनल टॉपिक पे बात हो रही है, लोकल पे हो रही है, फाइनेंस पे हो रही है, पॉलिटिक्स पे हो रही है, हेल्थ सेक्टर पे हो रही है, और बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते थे, ठीक है, तो जो भी आपके पास टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपने यहाँ पे बना दिए और उसके अगेंस्ट सैंपल दिए, और उसके बाद हम अपने यानी उससे एल्गोरिथम से गुजार के उसको प्रेडिक्ट करवाते हैं, तो अब देखें जो भी आपके पास यानी एक लिस्ट ऑफ टपल आ रहा है, तो 3 में से टॉप यानी जो टॉपिक्स हैं वो इन्होंने निकाल के प्रोबेबिलिटी हमें बता दी कि भाई याली जो आपने पहला सैंपल दिया है उसके अंदर फाइनेंस से लेके 30% बात हो रही है, इंटरनेशनल 22, स्पोर्ट्स से लेके, तो यहाँ पे अगर मैं इमरान खान का नाम लेता हूँ और जो भी मैं टैक्स पास करता जिसमें हेल्थ सेक्टर की भी बात करता, मेडिकल सेक्टर यानी उसमें होता, पॉलिटिक्स होता, और भी यानी जो चीज होती, तो जितने हमारे पास टॉपिक्स होते उन टॉपिक्स के अंदर वो परसेंटेज वाइज बात करता है कि यार इस सेंटेंस के अंदर इमरान खान ने जो बात की है किस किस टॉपिक पे कितनी करी, और कोई भी ऐसा टॉपिक होता, ठीक है, जो हमने मेजर ही नहीं किया हुआ, वो पर्सनल लाइफ से रेलिवेंट कोई उसके ऊपर यानी वो अपने लिख रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ को कहता अननोन, अननोन से भी रेलिवेंट कुछ बात की,
तो ये इस तरह करके आपको ना हेडिंग वाइज वो आपको डिफाइन कर रहा है। अच्छा इसको आप लोग ये देख लेंगे, ये हमने आई थिंक ओल्ड बुक से कवर किया है, आपको न्यू बुक से ये कवर करने की कोशिश करनी है। अच्छा नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है, ठीक है, और चैप्टर क्या है 9, 7, 8, 9। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे 7 और 8 को कवर करें 3 घंटे की क्लास में, और उसके बाद 9 हमारा रह जाएगा, और फिर हम मूव होंगे उसकी तरफ कंप्यूटर विजन की तरफ। तो कोशिश करते हैं कि एक क्लास में मैक्सिमम चीजें हम कवर करने की कोशिश करें, ठीक है जी। और आप लोग के कोई सवाल? अच्छा प्रैक्टिस मुझे लग रहा है लोग नहीं कर पा रहे, उसकी वजह वही है कि डॉलर हम खर्च नहीं करना चाह रहे, ठीक है, और बाकी पैसे क्यों खर्च करें। तो दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि डॉलर हो ही ना हमारे पास। अच्छा ये बड़ी खतरनाक बात है, डॉलर होना चाहिए हमारे पास, डॉलर महंगा हो गया है। यस सर। यार माशाल्लाह, खैर अगर देखो मैं इंडिविजुअल देखूं, क्योंकि मेरी जो सैलरी आ रही है वो डॉलर में आ रही है, हमारी भी आएगी सर, माशाल्लाह आएगी, लेकिन ओवरऑल मुल्क के से हम देखें तो यार ये बड़ी खतरनाक बात है, महंगाई जिस तरह बढ़ती जा रही है, हालात जिस तरह चेंज होते जा रहे हैं, तो खैर ये तो एक अच्छी खासी यानी एक इनकम बन जाती है अगर मैं उसको अपनी सैलरी से कन्वर्ट करूं, लेकिन प्रॉब्लम फिर यही आ रही है कि यार हमें अपना इंडिविजुअल नहीं सोचना, हम सब जब डॉलर कमाएंगे ना फिर मुल्क का फायदा होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा भी हम बहुत बड़ा मकसद लेके सरजिया चल रहे हैं, और अभी भी आप देखो कि नेशन वाइज जो अभी हम मेटावर्स वाला सरजिया स्टार्ट करने वाले, तो हम लोग को जल्द से जल्द ना बस कोशिश करके इंटरनेशनल मार्केट में उतरना है, चाहे हम स्टार्ट तो करें $500 से स्टार्ट करें, स्टार्ट तो करें, तो हम सबको सब चीजें छोड़ के ना हम लोग कोशिश करें जॉब देने, अभी जब तक नहीं छोड़नी जब तक आपकी स्टेबल इनकम जनरेट होना स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो भाई आपका ब्रेड बटर जो चल रहा है आपकी जॉब से चल रहा है, ये नहीं कि मैं आपको कहूंगा कि जॉब छोड़ दें, आपको टाइम निकाल के फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टाइम देना है, और कोशिश करें कि आपको कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट मिल जाए, तो जितने लोगों को प्रोजेक्ट मिल गए वो एक दूसरे के साथ शेयर करें किस तरह मिला अपना, यानी जो भी आपके पास एक एक्सपीरियंस है, ताकि दूसरे लोग भी उससे फायदा उठा सकें। तो माशाल्लाह हमारे क्या नाम है शौकत मौजूद हैं, शौकत ने अच्छी खासी यानी फ्रीलांसिंग करी हुई है, ठीक है, और हमारे काफ़ी इस प्लेटफॉर्म पे लोग मौजूद हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मुझे उनके एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, तो आप लोग इन लोगों के साथ कनेक्ट हो और डॉलर कमाने वाली जो रेस है ना इसके अंदर जल्दी से शामिल हो जाए जी। तो कुछ अगर किसी को लाइव करते हुए देखे ना कि कैसे फ्रीलांसिंग कोई कर रहा है, तो सर ये मुझे लगता है इजी काम है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लिखने में और सुनने में मुश्किल है, देखने में इजी होगा, कि अगर एक दफा देख लें कि कौन किस तरह करता है तो शायद सर इजी हो जाए। सही सर जी। तो सर इसमें मेरी एक सजेशन है कि अगर हम सिर्फ आधा घंटा एडिशनली थोड़ा सा एक बंदे की जो सक्सेस स्टोरी है या 20 मिनट की या 10 मिनट की वो आके शेयर कर ले ए टू जी बता दे, तो काफ़ी लोगों को मोटिवेशन भी मिल जाएगी और गाइडलाइन भी मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोग लर्न तो कर लेते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली नोट किया कि हमारे बैच में से ये फर्द यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं, तो यहाँ इस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा इसको ना मतलब गाइड भी करना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस इंडिविजुअल जो है वो शेयर करें ताकि बाकी लोग भी उसे बेनिफिट ले सकें। सर मुझे तो हमेशा लेट कर देते हैं सर, शौकत कहते हैं कि लेट हो गए आप। किस चीज में लेट हो गए सर? वो प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं उनसे बात इतनी देर हो जाती है कि सर वो कहते हैं भाई तुमने देर कर दी, पहले क्यों नहीं बताया, इतनी देर में बता रहे हो, ये हो जाता है सर। नहीं प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आ रहे हैं, शौकत के पास आ रहे हैं, सॉरी शौकत के पास आते हैं सर, शौकत डालते हैं और मैं लेट उनको रिप्लाई करता हूं, तो वो मुझे कहते हैं यार पहले बता देते। नहीं तो बात सही है ना, असल में जो प्रोजेक्ट आते हैं फ्रीलांसिंग के वो टाइम उनकी ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको बड़ी जल्दी जो भी वो टाइम आप देते हो उस टाइम में करके देने होते हैं, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट आप जितना जल्दी करके दे देंगे उतना जल्दी आपको पैसे मिल जाएंगे। तो यही हो रहा है सर, वो फटाफट बताते हैं और उनका भी होती है फटाफट रिप्लाई दो जो भी लेना चाह रहा है, मैं सोचता हूँ सर शायद कोई और ले चुका होगा, मैं थोड़ी टाइम लगा देता हूँ इसको देखने में। भाई आधे घंटे में 15 मिनट में 1 घंटे में लोग काम कर करके उसी वक्त हैंड ओवर कर देते हैं। यस सर बस यही हो रहा है सर, मिस्ड हो रहे हैं वो। अब आप 2 घंटे बाद रिप्लाई कर रहे हैं हाँ मैं ये काम करूँ, जब तक तो उन्होंने डिलीवर भी कर दिया।
तो सर यही सर शौकत कहते हैं कि भाई पहले बताते हैं ना, इतनी देर में तो मैंने इसको कह दिया है कुछ ना कुछ। हाँ तो वो सही कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। टाइम इतना कम होता है कि आपको क्विक रिस्पॉन्स करना पड़ता है, ठीक है, वरना आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी होती है। अक्षय ने बल्कि आप लोग देख लें, शौकत से कोऑर्डिनेट कर लें, बनाया हुआ तो है शौकत ने आई थिंक फ्रीलांसिंग वगैरह का, उसमें सारे लोग कनेक्ट भी हैं काफी लोग, तो वो ग्रुप वगैरह शौकत को कहेंगे दोबारा शेयर कर देंगे। शौकत आज की क्लास में फेसबुक ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है? अभी शौकत है, शौकत फ्रीलांसिंग में मसरूफ होंगे, फिर दोनों का लिंक जो है वो आप सेंड कर देना, फेसबुक ग्रुप का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी चैट में। अच्छा देखो फेसबुक ग्रुप तो एक अलग है जो कि मेरा आईटी एक्सपर्ट वाला है, उसको आप ज्वाइन कर लें, और बाकी मैं शौकत को कहता हूँ एक फ्रीलांसिंग हम लोग ग्रुप बनाते हैं जिसमें मैं भी ऐड हो जाऊंगा, तो जितनी आप लोग की यानी कोई भी मसला होगा, मसले मसाइल होंगे, फ्रीलांसिंग की तरफ हम कोई जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि भाई आपको कम अज कम $5,000 तो कमाना चाहिए, अभी तक आप लोग $1,000 भी नहीं कमा। सर वो थोड़ी सी बात, सर बात करनी थी सर, मैं फ्रीलांसिंग फीस में गया था तो हमारे जो हेड हैं वो तो पैफला के हेड हैं जो सर काजी राहत अली साहब जो हैं, तो मुझे वहाँ जो है सर रेहान अलिया वाले से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि भाई आप इतने कितने कमा रहे हैं आप प्रॉपर्ली, मैंने कहा सर मैं तो $500,000 कर लेता हूँ, तो उन्होंने ये बोला भाई इतने नहीं, $5,000 तक तो कमाओ और हमारे साथ फिर सर ज्वाइनिंग करें, तो इस तरह की कुछ बात हुई थी सर, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं सर कि थोड़ा अच्छी चीज़ करो, मेरे पास भी बहुत अपॉर्चुनिटी, मैं चाह रहा हूँ कि पाइथन की क्लासेस करवाऊँ और अपना एक फ्रीलांसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से भी लोगों को चाह रहा हूँ। बिल्कुल आप लोग लीड कर सकते हैं, रियान अल्लाह वाले के साथ भी तकरीबन यानी जो पाइथन वाले हैं वो हमारे ही माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं। यस सर, वो आपके तो हेड ही काजी राहत अली साहब जो है पैफला के हेड भी हैं, फ्रीलांसिंग और भी ये आई थी हमारी पीसी होटल में हुई थी सर 2 दिन की, लेकिन सर हमारे यहाँ से हमारी क्लास से भी कोई नहीं सर आने वाले थे, लेकिन कोई आया नहीं था सर, आप भी नहीं आए थे सर। चलो यार दूसरी चीज में मसरूफ थे, लेट्स सी। ओके तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला करते हैं, मेन पर्पस हम आपको लेके चलते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ, कम से कम भाई अपना टारगेट जितना बड़ा रखोगे उतना है, लेकिन अभी टारगेट छोटा रख लो, मैं कह रहा हूँ यार $500 तो रख लो स्टार्ट तो करो, ठीक है, 500 से 1000, 1000 से 2000, हम $10,000 भी कमा सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, वो मेहनत ये है कि आपको शुरू के 2-3 प्रोजेक्ट मिल गए ना, फिर आपका है कि जो फेयर है डर है वो खत्म हो जाए, फिर आप बहुत आसानी से अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। यस सर, ठीक है। अच्छा फिर आज की क्लास को सर इस तरह से भी तो हो सकता है, काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी क्लास के बाद भी आपस में बैठ के जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, कभी जूम पे और कभी दूसरे सेशंस पे, अगर उनके लिए किसी जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर अपडेट कर दिया करें, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ जो है उसको ज्वाइन कर लिया करें, तो ये भी काफी हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अच्छा मैं ये करूँगा, देखो हमारे पास जो टॉप यानी हमारे स्टूडेंट है ना, ठीक है, उनका एक उनको मैं उनको एडमिन बनाता हूँ, ठीक है। अब जैसे अभी ये जो UBL डेटाथॉन के अंदर तीनों पोजीशन जीते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तलहा और पता नहीं अली और इसी तरह एक और नाम है शहबाज शाहजेब मुनीर, ठीक है, इन तीनों को ऐड करते हैं जिनके पास टेक्निकल यानी एक अच्छा एक्सपोजर है। हमारे पास सलानी के स्टूडेंट हैं कासिम हसन, उनको ऐड कर देते हैं, तो जो भी हमारे टॉप स्टूडेंट हैं जो फ्रीलांसिंग कर भी रहे हैं और ये सारे काम कर रहे हैं, तो एक ग्रुप हम बनाते हैं, और बाकी इस तरह के जितने Q4 के स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उनके साथ आप लोग को मैं कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल मार्केट में काम भी कर रहे हैं और टेक्निकल उनके पास सारी स्किल्स भी हैं, तो उन लोग के साथ आप कनेक्ट हों और फिर देखें किस तरह आप अपने नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकें। तो मैं जरा भाई पहले होती थी लेकिन अभी आप देखें कि Q4 के अंदर इस क्लास में ही कितने लोग हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, मुख्तलिफ कंट्रीज से कनेक्ट है, ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम जो लाहौर में रहते हैं उनके लिए स्पेशली लाहौर में ऑनसाइट क्लासेस इवनिंग की स्टार्ट कर दें 5 बजे के बाद से 5 से 7 बजे तक। हीना आप बात सही कह रहे हैं, हमारी कोशिश ये थी कि हम पूरे पाकिस्तान की हर सिटी में स्टार्ट करें,
लेकिन जो हमारे पास अभी यानी रिसोर्सेस हैं पढ़ाने वाली वो इस काबिल नहीं है। देखिए यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जो कि वाकई बड़ा अच्छा थ्योरेटिकल बहुत अच्छी हमें पढ़ाते हैं, चाहे वो हमारे फास के टीचर्स हों या दूसरी यूनिवर्सिटीज के हों, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और इतने सारों को हैंडल करके हैंड जोन करवाना, उसके लिए सर जिया ये कहते हैं कि नहीं भाई हमारे टेस्ट हमारी चीज़ें वो आप पास करें और उसके बाद। तो हमें अभी तक यानी उस लेवल के यानी नहीं मिल पाते रिसोर्स, तो कोशिश हमारी है कि अच्छी रिसोर्स हमारे पास जब कनेक्ट हुएगी तो इंशाल्लाह ताला हम ऑल ओवर दी पाकिस्तान, बल्कि आप लोग ही यहाँ लीडर्स होंगे। हमारा मेन पर्पस यही है कि इस प्लेटफॉर्म से जो लोग गुजरेंगे वही लीड कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग कंप्लीट होते हैं इंशाल्लाह तो हम बहुत जल्दी सीखे कर लें काम और जल्दी स्टार्ट कर देते। अब तो फ्रीलांसिंग का सर हमें डर लगता है ना कि हम नहीं कर पाते, अगर कोई हमारे सामने ऑन साइट हो तो हम स्टार्ट कर भी देंगे इंशाल्लाह फिर। नहीं नहीं आप उसको ऑनलाइन आप लोग स्टार्ट करें, मैं आप लोग को कनेक्ट करवाता हूँ ताकि एक इनकम देखें। आपने अगर दो महीने तीन महीने ना चार पांच प्रोजेक्ट पकड़ लिए ना और $1,000-$2,000 कमा लिए तो फिर आपको एहसास होगा यार मैं इतने घंटे काम करता हूँ पाकिस्तान में और आपको मिलते हैं कितने, 1.5 लाख रुपए, ठीक है 2 लाख रुपए, उससे भी कम सर, उससे भी कम। अच्छा चले लाख तो मिलते हैं आप बोलो 40,000 बस। अच्छा ठीक है 48,000 तक सही है। नहीं वाकई आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री इसी तरह देते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और यही आप काम एक घंटे करेंगे दो घंटे करेंगे एक प्रोजेक्ट कर देंगे इससे कई गुना ज्यादा उठा लेंगे। चलिए नेक्स्ट सी इंशाल्लाह ताला हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला मेहनत कभी रहेगा नहीं जाने देते, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप $10,000 तक भी पहुंचेंगे। सर आपके जितने वो स्टूडेंट्स हैं काइंडली आप उनको कनेक्ट कीजिएगा दोनों जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं Q4 के उनके साथ ताकि हम सब जो है वो उसमें से उनसे कनेक्ट हो सके। हाँ मैं सबसे पहले तो उन लोग से बात करूंगा कि यार मैं ये थीम बना रहा हूँ आप लोग को कनेक्ट होना है, तो जो जो वॉलंटियर हमारे साथ वो कनेक्ट होंगे फिर आप लोग के साथ मैं उनको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं उन सब से ऑन साइट क्लासेस स्टार्ट कर दूं सर, लाहौर में ऑन साइट क्लासेस स्टार्ट कर दूं सर। चलें ये हमारी कोशिश है पूरे पाकिस्तान में हो, लेकिन अभी सरजिया जो स्टार्ट कर रहे हैं सरजिया यानी ट्रैवल करेंगे, टीम भी ट्रैवल करेगी तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी लाहौर वगैरह में भी आप लोगों के साथ। सर इसमें जो फ्रीलांसिंग का जो आप ग्रुप बना रहे हैं ना शौकत के साथ वो जरूर कर लीजिएगा पहली प्रेफरेंस में, तो इससे ये कि हम सब फॉरन कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। चलें बेस्ट कर देते सर। सर इसमें ये है सर कि सर शौकत के साथ ये हो जाए कि सर शौकत बेशक सर शौकत ही वो रख लें, मतलब हम कहते हैं ठीक है आप ही प्रॉफिट उठा लें, बस ये कि एक दो बंदों को कह रहे हैं यार बस मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ कर लो, मतलब जिसको कहते हैं ना सर एक हम इंटर्नशिप के तौर पे कर लें उनके साथ, आप हमें पैसे ना दो बस बता दो यार देखो ये सारा हो रहा है ताकि एक कॉन्सेप्ट बन जाए। क्यों अच्छा जी, मैं हाँ, जी जी आप बोलते हैं मैं रिकॉर्डिंग को एक मिनट स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि ठीक है स्टॉप करने की अर्निंग तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत अर्निंग होनी चाहिए, ये चीज जो है ना फिर वो भी करती है मतलब हिम्मत भी बंधाती है और दूसरा ये कि उसमें फिर आपको वैल्यू क्रिएट करती है।